चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग कंचन वीर जी जी मैम थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा गाइड करें सबको जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सभी टू द पीपल के समन संघ को मेरा मंगलमय जय भीम। वी द पीपल के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अनेक राज्यों से हम अपनी सहेलियों को बहनों के साथ रूबरू हो पाए हैं, और अपना हक का दिन होता है 10, 20 और 30 तारीख का। तो इस दिन सब सब जितने भी साथी है अपने श्रवण संघ के, वी द पीपल के, तो उन्होंने भी अपनी जो घर की बेटियां हैं या अपनी जीवन संगिनी है उनको भी जोड़ना चाहिए, ताकि वो भी अपने विचारों को रख सके, क्योंकि अपने साथी से वो क्या सपोर्ट उन्हें मिलता है, तो अपने जीवन में उन्होंने क्या अचीव किया है समाज के लिए और खुद के लिए, तो वो अगर बताती जाएंगे तो अपना मनोगत व्यक्त करते जाएंगे तो हमें भी उनको सुनने का मौका मिलेगा और मार्ग भी मिलेगा, अनेक महिलाओं को मार्ग भी मिलेगा। जैसे कि हम तो बचत गट के माध्यम से जो ग्रामीण महिलाओं की महिलाएं हैं उनके लिए कार्य करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला था कि जैसे कि भारत में जातियां बहुत है, तो जातियों की वजह से किसी भी जातियों ने आज तक महिलाओं को समान हक नहीं दिया है, बल्कि उनको पीछे खींचने की ही कोशिश की है, हर बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो एक हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है कि महिला और पुरुष का समान हक, और हम लोगों ने उसका पूरे पूर लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए और अपने जीवन में भी जीना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी बोला है, जिस घर में देश में महिलाओं को शामिल किया जाता है उस घर की, उस देश की प्रगति बहुत जल्द होती है और देश सुकूनपूर्ण रह सकता है, परिवार भी सुकूनपूर्ण रह सकता है। तो हम चाहते हैं कि इसी विचारों को लेकर हमें भी वी द पीपल के साथ जो जुड़ी हुई मेरी सहेलियां हैं, तो उन्होंने भी अपने घर में इसका उपयोग करना चाहिए, अपने जीवन में भी, और अपनी जो सहेलियां हैं उनके साथ बात करते वक्त भी अपने जीवन को जिस तरह वो जी रही है, वो संघर्ष में जो संघर्ष है उनको उन्होंने अगर एक दूसरे के साथ शेयर किया तो वो भी आगे आ पाएगी। और संगठन सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे संघ बुद्धा ने बनाया था संघ, तो संघ सबसे महत्वपूर्ण होता है। संघ के माध्यम से ही हमारी जो समस्याएं होती है या कोई दुविधाएं होती है, तो हम अगर संघ के सामने रखते हैं तो विचार विमर्श करके वो समस्याएं सुलझाई जा सकती है। और जैसे कि जीवन जीने के लिए ये जो जरूरी होता है, तो उद्योग व्यवसाय भी जरूरी होता है, मानसिक आधार भी जरूरी होता है, विचार विमर्श भी जरूरी होता है, तो सभी प्रकार की बातें जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये आवश्यक बातें जैसे ग्रामीण भाग की महिलाएं होती है, उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, तो अगर वो संघ के माध्यम से अगर जुड़ जाते हैं तो उन्हें अनेक लोगों को सुनने को मिलेगा, उनके विचारों में भी प्रगल्भता आएगी। जैसे कि आप डॉक्टर हो, कंचन लता दीदी डॉक्टर हैं, तो बहुत सारी महिलाएं अपने इसमें हैं कि जो इंजीनियर है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई सेवा देश के लिए सेवा करता है, कोई नेता है, तो उन्हें भी आपके जीवन को सुनकर लगेगा कि मुझमें भी ये गुण है तो मुझे उसे विकास करना चाहिए, तो वो आगे आ पाएगी, हमारा सपोर्ट लेकर वो आगे बढ़ पाएगी, तो देश में इस तरह धीरे 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 प्रगति हो जाएगी। तो वी द पीपल यही काम कर रहा है कि जो लोगों में जो गुण है उसको निखारने का काम वी द पीपल कर रहा है, और यहाँ पर सबको समान संधि उपलब्ध है अपने विचार रखने को। तो हमने जैसे वी द पीपल के माध्यम से हम आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ और अपने विचारों को रख पा रही हूँ, और आप भी सुनकर समझो हमें सपोर्ट मिल रहा है। अभी तो हमने छोटे छोटे काम करके जो मुकाम पाया है, जैसे कि मैं जो महिलाएं थी जिनके पास कुछ भी नहीं था, ना घर रहने के लिए घर बार था, ना अपने बच्चों को पढ़ा पाती थी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो विधवा परित्यक्ता महिलाएं हैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया हुआ है, तो ये नई समस्या है समाज में कि उनके बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारियां, उन महिलाओं को रोजगार और उसके उनके जीवन की समस्याएं। जैसे कि पहले के जमाने में फुले दाम्पत्य, अपने महात्मा फुले जी और सावित्री बाई ने उस वक्त जो भी
कार्य किया है महिला विधवा पति तथा महिलाओं के लिए, उनकी शादियां करवा कर देना, उन्हें स्वाभिमान से जीने के लिए प्रेरित करना, उद्योग व्यवसाय का प्रशिक्षण भी वो देते थे, उन्हें स्वाभिमान से जीने के लिए सिखाते थे। तो अपने समाज में ऐसा काम होते हुए आज मैं नहीं देख पा रही हूँ। हाँ, कुछ संस्थाएं इस तरह का काम करती है, लेकिन जिन लोगों तक वो काम पहुंचना चाहिए, जिनको इसकी जरूरत है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे विषयों पर भी हमें चर्चा करके कुछ निर्णय लेने चाहिए, ताकि जो समाज पिछड़ा है, जो महिलाएं पिछड़ी है, जिन्हें सच में हमारी जरूरत है, उन लोगों तक हम पहुंच सके और अपने जो विचार है, बुद्धा के विचार है, बाबा साहब के विचार है, उस स्वतंत्रता का वो अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को आगे ले जाए, अपने परिवार का, बच्चों का विकास कर सके, उनको शिक्षा, अच्छी सी शिक्षा दे सके। क्योंकि अच्छी शिक्षा के लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, अच्छे स्कूल होने चाहिए होते हैं, अच्छे संस्कार होने चाहिए होते हैं, और पैसा भी चाहिए होता है। तो ऐसे बच्चों को, होनहार बच्चों को हम आगे लाकर अगर उनको हम एडॉप्ट करते हैं या किसी अच्छे स्कूल में उनको दाखिला दिलवा देते हैं, तो ये भी हमारी सहायता उन परिवार को हो सकती है। तो इस तरह का अगर छोटे छोटे काम वी द पीपल के माध्यम से अगर होते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, धीरे 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 बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो जिनको जिस काम में रुचि है, तो वो अपना हक अदा कर रहे समाज के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं बहुत बार ये बात रखती हूँ कि रिटायरमेंट हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना सारा अनुभव होता है, 30-40-45 साल का अनुभव होता है, तो उन्होंने जो अपना वक्त वो अगर समाज को देते हैं, तो समाज की प्रगति बहुत अच्छे से होगी। और जो जिनको जरूरत है उस विचारों की और मदद की, तो वो फ्री में अगर मिल जाती है, तो उनका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और उन्हें उसका फायदा भी होगा, उस विचारों का फायदा भी होगा। तो इस तरह के काम अगर वी द पीपल के माध्यम से आगे चलकर अगर होते रहेंगे, तो एक विश्वास दृढ़ होता जाएगा समाज समाज में, और हमारे साथ ग्रामीण भाग से लेकर शहरों तक के सारे लोग हमारे साथ जुड़कर एक संघ का कारवा बनते जाएगा। और जब संघ का कारवा बढ़ते जाएगा, हम एक होंगे, तो जो समस्याएं हैं समाज में और हमारे हक 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 जो अभी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो उस वक्त हम सब लोग मिलकर संघर्ष कर पाएंगे और अपने हक को अपने समाज के सभी साथियों के साथ बांट कर जी सकेंगे, हम अच्छा हम जीवन दे सकेंगे इतर अदर लोगों को भी। तो ऐसे कार्य अगर हम सब लोग मिलकर करते हैं, जैसे कि हम यहाँ रहते हैं, लेकिन वी द पीपल के जो संघ के सदस्य है अनेक शहरों में रहते हैं, तो वहाँ जो भी जरूरत पड़ती है तो हम सदस्य को बोलते हैं, तो वो वहाँ मदद कर देते हैं। तो इस तरह की कड़ी अगर हमारी बनती जाएगी, तो मुझे लगता है कि वी द पीपल भारत में A1 ग्रेट काम कर पाएगा और समाज में साथियों में एक विश्वास निर्माण हो जाएगा। और इसमें महिलाओं का महिलाओं को साथ में लिया है पूरी तरह, महिलाओं को पूरी तरह यहाँ पर विचार व्यक्त करने के लिए और आगे आने के लिए वी द पीपल ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, अपने साथ लिया है। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है, क्योंकि भारत के किसी भी समझो गांव में भी जब ग्राम पंचायत बनती है, तो वहां पर भी महिलाओं को साथ लिया जाता है। कोई भी पोर्शन हो तो उसमें महिलाओं को साथ लिया जाता है, तो वहां पर प्रगति दिखाई देती है। लेकिन उस तरह की शिक्षित महिलाएं अगर आगे आएंगे, अपने विचारों को अपनी स्टडी करके, जो समाज के लिए हित के लिए निर्णय लेने हैं वो अगर लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो उसका परिवर्तन अलग अलग से दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं वी द पीपल में, तो वो हमें सबके साथ विचार विमर्श करके, जैसे कि सुधीर राज सिंह जी है, वो तो हर बार मोटिवेट करते रहते हैं अपने विचारों से, बुद्धा की कथाएं, बाबा साहब के विचार प्रदान करके। सत्य प्रकाश सर जी हैं, रमेश कटके सर जी हैं, लाल सिंह बाबा जी हैं, और बहुत सारी महिलाएं हैं मेरी सहेली, जो मधुमोहन मोहन बहन है, रश्मि सिंह जी है, मंजू दीदी है, रिया भारती जी है, कंचन दीदी है, मनीषा निगम जी है। तो अपने बहुत सारी महिलाएं अपने विचार यहाँ पर रखकर जाती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि अदर राज्यों के इतनी सारी मेरी जो धम्म भगिनी है, उनके साथ मैं जुड़ पाई हूँ और उनके विचार सुनकर
हम वी द पीपल को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। जी थैंक यू कंचनवीर मैम। मैम आपको एंकरिंग करनी है, देखिए 60 से अब हम लोग हो गए हैं ना, थोड़ा सा अनिता कवि मैम है शायद, प्रियम्बल के लिए आप किसी को कॉल कर लीजिए। जी मैडम कंचनवीर जी, हाँ जी बहुत 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 साधुवाद, और आपने बहुत ही अपने विचार जो आप प्रस्तुत किए हैं अप्रिशिएटेड हैं महिलाओं के लिए, और उनका आगे पथ प्रदर्शक करेंगे, तो हम आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान। जय संविधान। जय संविधान। मधुमोहन जी पर्चे कंटिन्यू करिए। ठीक है मैं अपनी बात रखती हूँ। मैं रश्मि मुरादाबाद से जी। और आज मुरादाबाद से दो तीन महिलाएं हैं जो मधु जी हैं और दीपा भारती हैं, शायद एंकरिंग में है नाम उनका। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग धीरे धीरे सही सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जरूरी भी है। देखिए महिलाओं को आगे आने के लिए हम सबको पहल करनी पड़ेगी। पुरुष से मुझे तो लगता नहीं है कुछ होने वाला होगा, लेकिन पुरुषों के बीच में ही होगा। महिलाओं को महिला ही जागृत कर सकती है, मैं ऐसा सोचती हूँ। और लगभग 7 महीने से मैं अपने पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ इस मुहिम से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा लगता है, कितने जिलों से राज्यों से हम लोग एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं। और रही बात की विदा पीपल की, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी। देखिए हम सबका उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैंने जाना है कि हम किसी तरीके से जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है और धीरे धीरे हमारे जो उद्देश्यों का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है, हम कुछ कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने इन चीजों को सजग नहीं लिया। धीरे धीरे हमसे सब कुछ छिनता गया, लेकिन अब हमारे लोग जागृत हो रहे हैं, हर देशों से, राज्य से, जिलों से, गाँव से लोग जुड़ रहे हैं और इस मुहिम में बहुत तेजी से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वो अपने बात को समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारे उद्देश्य थे और हम इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए। तो किसी भी वजह से अगर हमारे किसी भी साथी में कोई भी कमी है, तो मैं सोचती हूँ उस कमी को अवॉइड कीजिए और आगे बढ़ जाइए और किसी तरीके से अपने साथी भाई बंधु को इस वी द पीपल की मुहिम के साथ लेकर चले। वी द पीपल का क्या उद्देश्य है? सीधा सा हमारा उद्देश्य है कि हमारा संविधान बच जाए, के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, हमें जैसे और समाज को बराबरी का दर्जा औरों के लिए दिया जाता है, हमारे जो समाज के साथ है बराबरी का दर्जा कभी ना मिला है। तो हम यही तो चाहते हैं कि हम सब एक ही हो जाएं, ना ही किसी के साथ कोई शोषण हो, उत्पीड़न हो, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए समान रूप से अग्रसर होना चाहिए। विदा पीपल यही चाहता है कि हमारी जो लड़ाई है सम्मान की है और जो हमारे संविधान को बचाने की है, वो हम सब मिलकर ही पूरा कर पाएंगे। तो जितना मैंने इसको समझाया है कि विदा पीपल में हमें क्यों आना चाहिए, देखिए हमारे संविधान के साथ बहुत ही धीरे धीरे हमसे हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, और जब तक हम अपने संविधान को नहीं बचा पाएंगे तो हम शायद अपने हक और लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं भी परिवार, पूरे परिवार मित्रों के साथ विदा पीपल से जुड़े, ताकि हम लोग अपने जो उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि हम सब एक हो जाएं और अपने मान सम्मान को बचा पाएं, तो हम सबको एक संघ में इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और हमें बहुत अच्छा मंच मिला हुआ है वी द पीपल, ये संघ वाकई में बहुत बढ़िया है। परिवार जुड़ रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं आपस में, और देखिए हमारी डॉक्टर्स कितनी हेल्प्स कर रहे हैं बिना पैसे के। आज हम 10 अगर अपना कोई ट्रीटमेंट कराने चले जाएं तो 1000-2000 रुपए तो फीस में ही खत्म हो जाते हैं। कितना अच्छा काम हमारे डॉक्टर्स करते हैं, और ये डॉक्टर्स मुहिम गांव में भी लेकर जाएंगे। मेरी बाबूजी डॉक्टर लाल सिंह से तो अपने बच्चों, जो मेरे गांव में स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, इतनी हेल्प करी है बाबूजी ने, मैं तो नमन करती हूँ बाबूजी को कि वो बच्चे फ्री में आपसे सेवा ले पाए और वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि टीचर्स ने भी बहुत आपकी सेवा ली है। तो महिलाएं सीख रही हैं, समझ रही हैं, और मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि विदा पीपल से जुड़िए
ताकि हम अपने खोए हुए सम्मान जो हमारे साथ अत्याचार होते हैं, जब तक हम इकट्ठे होंगे नहीं तब तक हमारा कुछ सही होने वाला नहीं है। तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम लोग जुड़ जाएं, इकट्ठे हो जाइए, किसी में कोई कमी भी है तो उसको अवॉइड करिए और उसको भी अपने साथ लेकर चलिए। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रश्मि जी, बहुत अच्छा, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैम एक हैंड रेज है, सावन करके हैंड रेज है, सावन गोपाल, इनफिनिट कंटिन्यू मैडम प्लीज। जी आप टीचर हैं, थोड़े से अपने विचार प्रस्तुत करिए। मैंने जो अभी तक देखा है अपने समाज में, ये देखा है कि जातिवाद का ऐसा जाल बिछा हुआ है, जैसे फूड बैंक होता है ना, उसी तरह से हम एक कड़ी को तोड़ नहीं पाते, मतलब तोड़ ही नहीं पाते इस कड़ी को। अब मेरी कजिन सिस्टर है, मतलब मेरे चाचा की जितनी भी बेटियां हैं उनकी भी बौद्ध धर्म से शादी हुई, ऐसी शादी तो हो गई बौद्ध धर्म से, ससुराल पहुंचे। सकुन बौद्ध जी मुझे सुन पा रहे हैं जी? सकुन बौद्ध, यस मैम। आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए मैम, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी बहनों को। और मैं बहुत पहले से यहाँ जुड़ी हुई हूँ, शकुन बौद्ध मेरा नाम है, गाजियाबाद में रहती हूँ और मर्चेंट नेवी में लाइब्रेरियन हूँ। तो और सोशल वर्क में मैं एक एनजीओ हमारा चलाते हैं, उसमें हम गरीब महिलाओं को उनके उन्हीं के वहां पर जा जाकर सिलाई सेंटर खोलते हैं, जो अनपढ़ महिलाएं होती हैं उनके लिए ब्यूटीशियन सेंटर इस तरह के, और कोचिंग सेंटर जो गरीब बच्चे होते हैं उनको हम कोचिंग सेंटर निशुल्क, ये सब निशुल्क हमारा चलता रहता है काम। और सबसे बड़ा काम कि हम जो गांव-गांव में जाकर भीम ज्ञान चर्चा करते हैं, यानी कि महिलाओं को अवेयर करना ही जीवन का लक्ष्य है। और बहुत सारी महिला लीडर बनाया हुआ है, क्योंकि एक ही टाइम में अगर देखा जाए तो जैसे सैटरडे और संडे, क्योंकि 5 डेज हम वर्किंग है और सैटरडे संडे में 2 दिन ऐसा होता है कि जब हम एक ही टाइम में, मतलब संडे है तो दो दो लोग जाते हैं और कम से कम 10 गांवों को कवर करते हैं, मतलब भीम ज्ञान चर्चा करते हैं, लोगों को महापुरुषों की विचारधारा से अवेयर कराते हैं। वी द पीपल से मैं स्टार्टिंग से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कई बार फील्ड में होती हूँ, कई बार ऑफिस में होती हूँ तो नहीं जुड़ पाती हूँ। लेकिन ये हमेशा ही हुआ है कि मैं जब महिलाओं की मीटिंग होती है उसी में ही नहीं जुड़ पाती हूँ, बाकी मैं डेली जुड़ जाती हूँ। कई बार जो हमारे भाई है उनके साथ में जुड़ जाती हूँ 8 बजे जब भी मुझे समय मिलता है। तो वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत पहले पसंद है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक संघ का जो निर्माण हुआ है वो बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी के तहत हम सब लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पूरे भारत से, भारत से ही नहीं बल्कि हम आउट ऑफ कंट्री से भी हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हमारे आउट ऑफ कंट्री से भी जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है और सबके लिए हेल्पफुल होगा। इसका जो है कि भाई जुड़ेंगे तो जितना जुड़ेंगे, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी हम जीतेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। और सभी बहनों से मैं ये कहना चाहूंगी कि हमको बाहर तो निकलना पड़ेगा। कब तक हम मतलब दूसरों के कंधे पर या दूसरों के सहारे हम जीते रहेंगे? क्योंकि मनुस्मृति या जितने भी हिंदू धर्म शास्त्र है उनमें सब में यही लिखा हुआ है कि महिलाओं को किसी भी रूप में आजाद नहीं होना चाहिए। लेकिन तथागत बुद्ध और हमारे जितने भी महापुरुष आए, चाहे ज्योतिबा फुले आए हों, चाहे कबीर साहब आए हों, चाहे बाबा साहेब तो हैं ही, क्योंकि बाबा साहेब और जितने भी हमारे महापुरुष आए उन्होंने महिलाओं को इक्वल रखा, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। सबसे पहले अगर देखा जाए तो शिक्षा के द्वार खोले ज्योतिबा फुले ने, क्योंकि उसी शिक्षा के बलबूते पर आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं, जॉब कर पा रहे हैं, अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, सम्मान की जिंदगी जी पा रहे हैं। तो ये जो हमको अधिकार दिए ये हमारे महापुरुषों ने दिए, तो हम कब उनको जानेंगे? अभी तक हमारे दिमाग को उनके चंगुल से हम निकाल नहीं पाए। मतलब मैं कह सकती हूँ कि वो टीवी के माध्यम से, कभी सीरियलों के माध्यम से, कभी किसी, क्योंकि मोस्टली महिलाएं घर में होती हैं और घर में क्या करती हैं, वो सीरियल देखती हैं और सीरियल के जरिए वो आपको गुलाम बना रहे हैं। तो हमको उस गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा, महापुरुषों की विचारधारा जानना पड़ेगा। अभी एक जो अभी बहन थी जो टीचर है वो बोल रही थी कि
घर में उनका मतलब अंबेडकरवादी थे और ससुराल में गई तो वो वहीं पर मतलब हिंदूवादी हो गई है, हिंदू त्योहारों को मना रही है। मैं कभी ऐसा मान नहीं सकती कि जो एक बार जिसके अंदर महापुरुषों के विचार आ गए हों वो किसी भी हालत में दोबारा हिंदू धर्म को अपनाएगी या दोबारा उसके त्योहारों को अपनाएगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। या तो फिर वो सिर्फ जय भीम वाले, क्योंकि खाली बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जय भीम वाले, उनका काम ही है कि जय भीम बोलो और कहीं भी बोलो। तो ऐसे दो नावों में जो सवार होकर जो लोग चल रहे उनकी वजह से हमारा मिशन मूवमेंट पूरा नहीं हो पा रहा। हमको एक ही रास्ते को पकड़ना पड़ेगा, एक ही नाव में पैर रखना पड़ेगा। या तो आप हिंदू धर्म को ही अपना लीजिए, देख लीजिए जितने भी बाबा साहेब के अधिकार दिए या जितने भी बाबा साहेब ने हमारे लिए संविधान में जो राइट दिए उनको छोड़ दीजिए, फिर आप हिंदू धर्म को ही अपनाइए, या फिर आप अंबेडकरवादी हो जाइए। अंबेडकरवादी वाद में होता है विचार, मतलब विचारों को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाबा साहेब ने कहा कि मेरी जय जयकार करने से आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला, या मेरी मूर्तियां लगाने पर भी आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला जब तक आप मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, जब तक आप विचारों पर नहीं चलेंगे तब तक आपका कोई भला हो नहीं सकता। तो अभी क्या है कि महिलाओं के पता नहीं, मैं नहीं समझ पाती कि क्यों नहीं महिलाएं अपने लिए स्टेप लेती, क्यों नहीं कदम बढ़ाती। हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत सारी उनको मुझे लगता है कि उनकी जो चार दीवारी वही उनकी दुनिया है, तो उस दुनिया से बाहर उनको निकालना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी हम सब महिलाओं के, जो हम अपने आप को जागरूक कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन महिलाओं को बाहर निकालें। और ऐसा नहीं है कि वो समझती नहीं है, अभी तक उनको हिंदू धर्म परोसा जा रहा है तो वो हिंदू धर्म में लीन है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मोस्टली मतलब महिलाओं को जल्दी से कोई बात दिमाग में आती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जिस दिन भी उनको दिमाग में आ गई फिर वो एक सही मैनेजमेंट कर सकती हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि महिलाओं से अच्छा मैनेजमेंट कोई कर नहीं सकता। और बाबा साहब ने ये भी कहा कि जब तक किसी भी समाज की महिलाएं आगे नहीं आएंगी उस समाज का भला हो नहीं सकता। तो हमको महिलाओं को आगे लेकर आना है, और ये समर संघ जो है वो बराबरी का हक दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। वो महिलाओं को भी उतना ही आगे लाना चाहता है जितना वो खुद आ रहे हैं। अभी तक होता क्या आया कि मोस्टली लोगों ने क्या किया कि महिलाओं को घर के अंदर ही रहने दिया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, या पुरुषों की ईगो आगे आ जाती थी कि महिलाओं का नाम हो रहा है तो कैसे मतलब मेरे होते हुए मेरी महिला का नाम हो रहा है। वो नहीं चाहते कि महिलाओं का नाम हो या महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो जाए, महिलाएं आगे बढ़े, तो वो बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो नहीं चाहते। लेकिन अभी जागरूक हो रहे हैं, मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अगर मैं बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं, क्योंकि खुद की पहचान हमको खुद के संघर्ष करके बनानी पड़ती है, और अगर हम यही सोचते रहेंगे कब तक हम बेटों के नाम से जाने जाएंगे। प्लीज शॉर्ट मैडम, प्लीज शॉर्ट कीजिए। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम जितनी भी जागरूक महिलाएं हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के एरिया में घूमें और उन महिलाओं को जागरूक करें, और जिनकी बदौलत उनको ये सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी मिली है उनको जाने, उनके विचारों को अपनाएं, तब वो अपना अपने घर का विकास कर पाएंगे, तभी समाज का विकास होगा और तभी देश का होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार रखे आपने, क्योंकि अगर आपके जैसे हर परिवार की महिलाएं, अगर परिवार में अगर सैटरडे संडे को हम अपने आजू बाजू के गांव में जाकर अगर इस तरह का हम बाबा साहब के और विचारों को रखेंगे, उनकी स्वतंत्रता के बारे में उनकी जागरूक करेंगे, तो जल्द ही महिलाएं ये समझ जाएंगे, और वो समझ गई तो समझो उनके घर का परिवर्तन अच्छे से हो जाएगा। तो आगे हमारे साथ जुड़ी हुई है धनवंती मैडम, दयावती जी का। हाँ जी, वही उन्हीं को बुला रहे हैं हम। धनवंती दीदी, आप अपने विचार, अपना परिचय दीजिए और अपने विचार रखिए। शकुन बोध जी ने बहुत ही अच्छी तरह समझाया, उनका बहुत बहुत साधुवाद जी। साधुवाद सर, थैंक यू जी। धनवंती दीदी,
आप जुड़ी हुई हैं? अपना माइक अनम्यूट कीजिए मैडम। नेक्स्ट मीना सिंह जी को ले लेते हैं, दीपा भारती जी को, अगर वो नहीं, हाँ वो नहीं भी है, है दिख रहे हैं हमें, दीपा भारती जी या मीना सिंह जी जो भी मुझे सुन रही हूँ तो प्लीज अपना माइक। हेलो, एक मिनट, लता जी मैं जो नाम बोल रही हूँ, हाँ जो भी अपना नाम सुन रहे हैं प्लीज वो अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैडम, मैडम आप अपना परिचय दीजिए। मीना सिंह जी, जी जय भीम नमो बुद्धाय जी। जय भीम नमो बुद्धाय, आपका बहुत बहुत स्वागत। आवाज आ रही है आपको? जी 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 मैडम। हाँ मैम, और कैसे हैं आप सब? हाँ बहुत बहुत आपका वेलकम है वी द पीपल्स में, और आप अपने कम शब्दों में अपने विचारों को थोड़ा सा प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमें क्यों इस मुहिम से जुड़ना चाहिए, ये क्या कॉन्सेप्ट है, जितना आप समझ ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, करिए अपने विचारों को प्रस्तुत करिए। जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है लोगों को जोड़ने का, और इसके माध्यम से काफी दूर से मतलब अलग अलग जगहों से यानी कि विदेशों से भी लोग जुड़े हैं, तो एक दूसरे से संपर्क भी बना है लोगों का। मैडम आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। ओके, दिल्ली से हैं। आसपास आपने कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को इसके बारे में, इस मुहिम के बारे में कुछ बताया? मेरा तो एक ग्रुप है माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल, मैं अभी कुछ टाइम से नहीं जुड़ पा रही थी। जी जी, डॉक्टर मधुमोहिया बहुत पुरानी महामारी खिलाड़ी है ये। ओके ओके, बहुत दिनों में नजर आयो मीना जी। हाँ मैं थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी थी तो आज महिला विशेष था तो मैंने कहा जी श्रद्धा से आपको भूल गए हैं इसलिए जुड़ा करिए आप। नहीं नहीं भूली नहीं हूँ, कोई नहीं भूलेगा। चलिए मैडम, आप ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं ग्रुप से और आपके विचारों को सभी जानते हैं, तो आप ऑलरेडी ग्रुप है एक अच्छी कड़ी है, तो आगे हम चाहेंगे कि आप और लोगों को भी जुड़ें और हम मौका देना चाहती हूँ। नए जुड़े हैं मैं उनसे जी एक मिनट, मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगी बस, मतलब मैं सोई, मेरा जो मानना है मैं ये कह रही हूँ कि हम जहाँ भी रहते हैं जी, जिस भी जगह हम रह रहे हैं जी, कम से कम हम बाहर जाके काम नहीं कर सकते तो वहां पे हम लोगों को मिशन की तरफ, धम्म की तरफ लाने की कोशिश करें। हमारा जो काम है वो हम जहाँ रहते हैं वहां पे अच्छे से हम कर सकते हैं, और खास तौर से अपने परिवार में और रिश्तेदारी जो होती है हमारी, उतना फील्ड ही काफी है। 50-60 लोगों का ग्रुप वो होता है सबका, रिश्तेदारों का, घर परिवार का, तो हम उसमें काम करें, तो उसमें काम करने और सभी अगर ऐसा करेंगे जी, तो ये काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। डेफिनेटली कोई भी महिला ये कहे जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि हम लोग जहाँ भी रह रहे हैं, अगर हम मोहल्ले पड़ोस में भी नहीं जा सकते तो जिस परिवार के हम सदस्य हैं उस परिवार को हम इधर की तरफ मोटिवेट करें। मैं दिल्ली से हूँ और वी द पीपल से काफी समय से जुड़ी हुई हूँ। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो यहाँ पर जुड़ने की यही लगी कि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हम ऐसे ही पिटते रहेंगे, अपनी लाचारियां व्यक्त करते रहेंगे। जुड़ने से हमारा जो संघ के प्रति एक तो जो हमारा नजरिया है वो चेंज होगा, क्योंकि जब हम जुड़ेंगे तभी हमारे अंदर जो मजबूती आएगी, सशक्तिकरण की जो एक परिभाषा है वो अपने आप में सार्थक सिद्ध होगी। लेकिन जुड़ने के लिए हमें सबके विचारों का सम्मान करना होगा, सबको समझना होगा और अपनी बातें सबको बड़े ही प्यार से और निर्भीकता के साथ समझानी भी होगी। जब तक हम सबको समझा नहीं पाएंगे तब तक हम सबको जोड़ नहीं पाएंगे। तो जुड़ने के लिए जैसे कि सबका एक संघ में रहना, हम सब एक परिवार है इस टाइम, तो सबको परिवार में चार उंगलियां होती है, चारों के विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक संघ के प्रति समर्पित हो, उनके अंदर वो जो समर्पित भाव है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वी द पीपल पहली बार हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला जिसमें हम सब भले ही भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग हमारे काम है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है,
लेकिन यहाँ पर हम सबके विचार, जो हम सब एक विचारधारा के लिए आगे जा रहे हैं और विचार है वो लगभग सबके मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारे अपने वजूद की है, ये लड़ाई किसी महिला या पुरुष की नहीं, ये लड़ाई सबसे पहले हम बच जाए वही बहुत है। महिला और पुरुष तो बाद में कर ही लेंगे भाई, लेकिन बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। बचेंगे तब जब हम जुड़ेंगे, जैसा कि सुधीर भाई भी कई बार बोलते हैं और बार बार बोलते हैं कि जब जब हम जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, वरना पिटते रहे हैं पिटते ही रहेंगे। जैसा कि अभी भाई पीछे बता रहे थे कि हमारे ही समाज की बहन बेटियों के साथ में इतना अत्याचार, इतना उत्पीड़न क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि हम एक नहीं है, सशक्तिकरण हमारे अंदर अभी नहीं हुआ है। तो अगर एक के साथ होता है तो सारे चले, जैसा कि आप देखते होंगे पशु पक्षी जब तक वो झुंड में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तब तक उनका बचाव होता है। जहां एक भी उनसे थोड़ा अलग होता है, सिंह उसी के ऊपर झपट्टा मारता है। तो यही हाल हमारा है, जब हम सारे जुड़े हुए हैं एक संघ के साथ में जुड़े हुए, तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुड़ो और जीतो की जो नीति है वो हम जब तक जुड़ेंगे तब तक जीतेंगे, जैसे ही हम अलग हुए हार जाएंगे, पिट जाएंगे और पीट दिए जाएंगे, लेकिन हमें पिटना नहीं है। कब तक हम पिटते रहेंगे ये बात हमें समझनी भी है और समझानी भी है, अपने बच्चों को भी समझानी है, बाहर भी समझानी है। मैंने काफी दिन से ये शुरू किया हुआ है कि मैं पार्क जाती हूँ और पार्क में जितनी भी महिलाएं होती हैं सबके साथ में बैठकर अपने जो विचार हैं उनको मैं बताती हूँ, क्योंकि जब हम पार्क में जाना शुरू करते हैं तो हमें सब पता रहता है भी हाँ ये हमारे अपने समाज की बहनें हैं। तो उन सबको एक साथ लाते हैं, बैठते हैं, उनके साथ हम अपना जो बात है वो करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 10 को बताएं तो 10 के 10 को वो बात समझ में आ जाए, एक को समझ आ जाए मेरे लिए इतना काफी है। तो मैं उनको सबको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ, और जैसा कि मैं यहाँ सीख रही हूँ, मुझे पहले इतना सब बोलना नहीं आता था, लेकिन आप सबको देख देख कर, सब बहनों को देख देख कर मुझे भी बोलने का एक हौसला सा आया। सबका बहुत बहुत साधुवाद, आप सबने मुझे सुना और बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है, कहीं सुरक्षा नहीं होती, ये हम सब मिलके एक होंगी, 80% है हम लोग, तो सभी उठते सभी एक साथ चले, मिले आपस में, हम जुड़े हैं जोड़े हैं, तभी जीतने की कोशिश होगी हम लोगों की। और मैं भी सभी के साथ जुड़ी तो रहती हूँ, बोलती भी हूँ कि जुड़ो आप। नीता राज जी का हैंड रेज है। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जुड़कर, सभी के विचार सुनकर कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ें और यहाँ आकर सबके विचार सुने, तो उनको भी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि अभी मंजू बहन जी ने बताया था कि अगर कहीं हम 10 महिला को भी समझाते हैं, अगर एक ने भी हमारी बात समझ ली तो हमारे लिए ये कोशिश काफी है, वो ही काम हम करते हैं। तो काफी महिलाओं को ऐसे समझाया भी है और समझाते हैं, जोड़ने के लिए भी बोला है, आज भी जुड़ी हैं कई महिलाएं वैसे, तो कोशिश करते रहते हैं। बाकी तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा, कोशिश है, कामयाबी होगी। और समझ आ रही है, एक बार बस एक पुश करने की जरूरत है उन्हें, उनमें उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हाँ वो कितनी समर्थ है उनमें, तो होगा। और मैम इस धारणा को भी गलत साबित करना है कि महिलाओं की दुश्मन महिलाएं होती हैं, इस धारणा को हम लोगों को गलत साबित करना है, क्योंकि हम जागरूक महिलाएं उन महिलाओं को आगे लेकर आएंगे। जी तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, एक तो वीडियो पीपल के बारे में बताते रहते हैं और बाकी सब चीजें समझाते रहते हैं कि भाई ये पूजा पाठ से कोई फायदा नहीं है और आप इन सब चीजों से बाहर निकलो। और काफी महिलाओं को समझाया, उन्होंने छोड़ी भी है, ऐसा नहीं है, मेरी जान मैंने खुद कई महिलाओं को समझाया तो उन्होंने कहा कि दीदी आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल ये सही बात है, हमारा इससे कुछ भला नहीं होने वाला। तो बस यह मेरी तो कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को समझा सकूं। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू मैडम। शीला मोरे जी का हैंड रेज है। हाँ जी, शीला मोरे जी।
अपना पत्ते दें प्लीज। मेरा आवाज आ रहा है मैडम? हाँ जी। मैं अमरावती से हूँ मैडम, मैं एक टेलर हूँ जी। हेलो, मैडम मैं एक टेलर हूँ जी। आपकी आवाज नहीं सुन पा रही मैम। हाँ बोलिए। मैं एक टेलर हूँ मैडम, और मेरा फैशन डिजाइनिंग का वेरी गुड। हाँ जी, क्लासेस की। आप कहाँ से मैम? अमरावती से हूँ मैडम, अमरावती महाराष्ट्र। हेलो, अमरावती महाराष्ट्र जी। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ जी, प्रणाम। शीला मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। मैम आप बनी रहे मैम, फिर से ट्राई करिए मैम। हमारे बीच में ना शाइस्ता जबी करके जुड़ी हुई है, पहले उनका इंट्रो ले लीजिए। शाइस्ता जबी, शाइस्ता जबी। हाँ जी, कॉल करिए मैम। शाइस्ता जबी, शाइस्ता जबी जी। मैम ये हैंड रेज है डॉक्टर सुबेदार जी का, काफी देर से मुझे लगता है मैं इनवाइट करूं। यस मैम। मैम नमस्कार जय भीम सभी लोगों को। आज के मेरा जो है जुड़ने जुड़ाने की मुहिम में अपनी मिसेज का जो है इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ। जी जी, स्वागत है सर जी। बताइए अपना परिचय दीजिए मैम। नमो बुद्धाय जय भीम जी। नमो बुद्धाय जय भीम जी। शुभ नाम आपका? राम कुमारी, लखनऊ में जी, जानकीपुरम। वेरी गुड जी। मैम पहली बार जुड़ी हैं क्या? हाँ जी मैम, हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को मेला स्पेशल करते हैं। अच्छा, आप जुड़ा करिए, थोड़ा अपने विचार शेयर करें अपने। पुष्पा मैडम जी मुझे सुन रही हैं? तो क्या मेरा बोल रहा है? जी जी, नमो बुद्धाय जय भीम सभी साथियों के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी समर बहनों के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। तुम तो कोई नहीं, मैं सुन रही थी सबका परिचय। हम तो पुराने हैं, जुड़े हुए हैं, और नए साथियों को मौका दिया जाए, नई बहनों को, बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ के। और ये हमारी जुड़ने बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारी डॉक्टर कंचनलता जी है, डॉक्टर मधु मोहन जी है। थैंक यू मैम। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। हम लोग मुरादाबाद में मिले थे, मुरादाबाद की मीटिंग में जी मैडम। जी मैडम हाँ, और उससे पहले आप जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणादायक हैं मैम। जी जी, बुद्धा पार्क में मिले थे। मैं टीचर हूँ, हेड टीचर हूँ जूनियर हाई स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट संभल चंदौसी से ही हूँ। हम लोग तो एक मंडल के ही हैं। मुरादाबाद मंडल के। थैंक यू सो मच। मैं आज आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। आशा सिन्हा जी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मुझे जब जब आप कहेंगे मैं बोल दूंगी। ओके ओके जी जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आशा सिन्हा जी मुझे सुन रही हैं, या सुषमा कुमारी जी? आशा सिन्हा या सुषमा कुमारी जी प्लीज अपना माइक को अनम्यूट करिए। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय जी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद द पीपल में। और थोड़ा सा अपने विचारों को वी द पीपल्स के बारे में लोगों को थोड़ा सा कंट्री करिए। थैंक यू, कंट्री। आज काफी दिनों के बाद, वैसे तो मैं सुनती रहती हूँ लेकिन आज काफी दिनों के बाद जुड़ी हूँ, क्योंकि समय की थोड़ी सी व्यस्तता रहती है। तो तब से किचन में ही लगा रखा था। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, और इस प्रोग्राम में हम लोग एक दूसरे के साथ कितनी दूर से बैठे हुए एक दूसरे को जान लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये भी कहूंगी कि साथ साथ हम लोग अपने घर परिवार में और इधर उधर बाबा साहब का, अपने महापुरुषों का लिटरेचर भी साथ साथ पढ़ते रहे, तो उसका भी जो है बहुत सकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर पड़ेगा। और यही है कि बस समाज को जगाने की आवश्यकता है, और अभी भी यदि हम लोग नहीं जागे तो आने वाले समय में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो इस नुकसान के से बचने के लिए हम लोगों को जुड़ना जोड़ना और एक साथ रहना बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लता जी को, लता जी शालिनी जी आप में से जी मैडम, हाँ लता मैडम या शालिनी मैडम कोई भी अगर ऑनलाइन है तो प्लीज अपना माइक म्यूट करें और थोड़ा सा अपना परिचय दें। जी मैम, मैं शालिनी बौद्ध, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुधाए, वेलकम। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ मैम। जी कहाँ से बोल रही मैम? जी लखनऊ से। लखनऊ से, ओके मैम जी। जैसा मैं इसमें देख रही हूँ, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं जो ये प्रोग्राम किया और महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है और अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें, हम महिलाओं को जुड़ने का, क्योंकि हम लोग सिर्फ गृह घर गृहस्थी में ही जो है उलझे रहते हैं, तो बड़ी खुशी हुई। और जैसा इसका एक उद्देश्य है कि हम आपस में जुड़े और जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा जो समाज में एक सिस्टम है जिसके तहत हम लोगों को मतलब जिस तरीके से आज का परिवेश चल रहा है कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, और मैं एक सोशल वर्कर रही हूँ, जितना मैंने काम किया है, जितना मैंने समझा है, तो वहां पे मुझे लगता है मैम कि महिलाओं से, क्योंकि मैं सोशल रही हूँ, मैं गांव गांव जाती थी और लोगों को जागरूक करने का एक काम किया है मैंने, घर घर जाके बाबा साहब के विचारों को, अपने महापुरुषों के विचारों को मैंने मतलब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब वहां पे एक चीज ये आती है, पहली चीज तो जो है गांव में जाते हैं तो वहां पे आर्थिक रूप से पहली चीज तो एक वो रहता है, कमी रहती है। दूसरी चीज एक शिक्षा की कमी रहती है, जो सामाजिक शिक्षा होती है, एक किताबी शिक्षा तो अलग चीज हो गई, जो सामाजिक हमारी शिक्षा है उससे हमारे लोग दूर हैं, नहीं जानते हैं कि बाबा साहब कौन थे, हमारे महापुरुष कौन थे। तो सबसे पहले तो हमें उनको अपनी विचारधारा बताने की जरूरत है, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो बताने की जरूरत है कि आखिर यहाँ पे हमारी व्यवस्थाएं क्या है। हम ये तो कह देते हैं कि पूजा पाठ ना करिए, सबसे पहले हमारा वो क्वेश्चन होता है कि मतलब हम समझाते हैं कि पूजा पाठ ना करिए, लेकिन क्या है वहां पे, क्या है लोग इससे क्या होते हैं पहले से, क्योंकि जानते हैं नहीं, और वो जब हम ये उनके इस पे क्वेश्चन करते हैं पूजा पाठ पे, तो वो लोग दूर हो जाते हैं, हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं कि अरे ये तो जो है ये गलत बता रहे हैं। हमको ये लगता है कि पहले हमें अपने महापुरुषों को बताना चाहिए, जो समाज में सिस्टम चल रहा है उसको बताना चाहिए, हमारे संविधान को बताना चाहिए, और हमारे उनके जो अधिकार हैं उनको बताना चाहिए कि आप किस तरीके से आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, किस तरीके से आप बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम एक रह के और संविधान को बचा सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है उस पे काम करना चाहिए, ना कि पूजा पाठ पे या क्या करना है। जब वो जागरूक हो जाएंगे, जब समझने लगेंगे अपने महापुरुषों को, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। मैंने जितना जो काम किया है मैम, मेरी आवाज आ रही मैम? हाँ आवाज आ रही है जी। तो मेरा अपना जो मेरा अनुभव रहा है, पर्सनल अनुभव रहा है जो मैंने किया है। वीदा पीपल से मैडम कब से जुड़ी हुई हैं? मैम अभी तो मैं इससे दो मतलब जल्दी जुड़ी हूँ, लेकिन मैं सोशल वर्क किया है मैंने, मैं समाज में गई हूँ, लोगों को जागरूक करने का काम किया है, अपने विचारों, अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझाने का, बताने का काम किया है, उनके अधिकारों के, उनके अधिकार क्या है, या जो सरकार हमारे लिए जो है नियम कानून। कॉन्टेक्ट में काफी लोग संपर्क में होंगे, आप एक सोशल वर्कर रह चुकी हैं, तो इस मुहिम को आप थोड़ा और लोगों तक, जिस तरह आपके कांटेक्ट में लोग हों उन तक ये पहुंचाइए। हम लोग कर रहे हैं, हमको जितना टाइम मिलता है कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, क्यों हमारा यहाँ पे एक बहुजन स्वयं सेवक संघ भी बना हुआ है, जहाँ पे हम अपनी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस या जो है जो उनका 14 अप्रैल को उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ये सब अभी नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए सानी जी। जी मैम जी, नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कॉन्सेप्ट का टाइम हो रहा है, आपको बाद में लेंगे, ठीक है मैडम? जी मैम, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। काफी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 130 लगभग लोग जुड़े हुए हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो नई महिलाएं जुड़ी हैं। जी मैम जी, दीपा भारती जी प्लीज आप आए और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आहिस्ता आहिस्ता आ जा, आहिस्ता आहिस्ता
समर संघ को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जी मैडम जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले मैं जो आज मुझे लगता है कि शायद हीरा मैडम जुड़ी हुई नहीं है, मैं उनको मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ, फिर कंचन मैडम को, फिर मधु मैडम को, फिर हमारे मुरादाबाद से जितने भी हैं उन सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी जो अपनी समाज की महिलाएं जुड़ी हुई है वो सब अपना परिवार ही है, उन सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय और बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय मीटिंग के लिए निकाला और इसमें शामिल हुई, भागीदारी दी उन्होंने, तो उन सभी का धन्यवाद है। तो जैसा कि आज ये समर संघ की बात है, तो ये समर संघ सुधीर सर जी ने 5 मई से शुरू किया है और मैं इसमें 13 मई से जुड़ी हूँ, तब से हम कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं अब तक समझ पाई हूँ तो ये अपना समर संघ मतलब ऐसा है कि अगर हम सिंगल रहेंगे, अकेले रहेंगे, अकेले अकेले तो हम हैं और अकेले रहकर हम क्या कर रहे हैं कि पीट रहे हैं, हमारा बलात्कार हो रहा है, हमारे साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो जब तक हम संघ में नहीं रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, देखिए अगर अकेला बंदा चौराहे पे खड़ा हो तो कोई भी थप्पड़ मार देगा, अगर उसके पीछे 10 जने हो या 20 हो या 50 हो तो अगले सामने वालों को सोचना पड़ता है। गीदड़ का भी अगर झुंड होता है तो वो शेरों से भी जीत जाता है और भैंसों का भी आपने देखा होगा कि एनिमल चैनल पे दिखाते हैं कि भैंसा जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं तो शेरों को भी पटक के मार लेते हैं, तो हमें झुंड में रहना पड़ेगा। जैसे कि एक राजा ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा था कि अगर तुम सिंगल रहोगे, उनको लकड़ी दी उसके हाथ में, एक लकड़ी दी वो टूट गई, 2 दी वो भी टूट गई और उन्होंने पूरा गट्ठर रख दिया और जब उन्होंने कहा कि इसे तोड़ो तो वो लड़के तोड़ ही नहीं पाए, तो वो एकता को और मजबूती को समझ पाए। तो उसी तरीके से हमें एक होना होगा, हमारे हजारों संगठन है, लाखों संगठन है और संगठन के अगर पदाधिकारी भी जाकर खड़े हो जाए ना तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें टच कर दे। तो संगठन संगठन बन रहे हैं लेकिन संघ नहीं बन रहा, तो संघ पहली बार निकल कर आया है। तो जो समझदार लोग हैं या बुद्धिजीवी वर्ग है, जो मिशनरी लोग हैं, वो इससे दूर नहीं रह सकते। जहां तक ये बात नहीं पहुंच रही है वो अलग बात है, लेकिन जो जुड़ जाएंगे तो वह हट नहीं सकते इसे पीछे, क्योंकि सबको संघ की जरूरत है। सिंगल हमें संघ की जरूरत है, ये बात रोज बताई जाती है, हमें साथ में आना है तभी जीतेंगे, तभी बचेंगे, नहीं तो हमारे सारा अधिकार जो बाबा साहब ने अपने परिवार को खोकर हमें दिए सब समाप्त हो ही चुका है, बचा ही क्या है, अब तो ऐसे समझो जैसी भैंसी पूछ है और वो भी हमारे हाथ से छूटने वाली है, ये हमारे हाथ में सांप है और वो हमारे हाथ से सरकता जा रहा है और हम बहुत गहरी खाई में गिरने वाले और हमें अब बाबा साहब नहीं आएंगे बचाने के लिए, अब हमें स्वयं ही प्रयास करना होगा। और ये संघ इतना अच्छा है कि महिलाओं को भी बराबर भागीदारी दे रहा है, बोलने का मौका दे रहा है। सबसे बड़ी बात मुझे इसमें ये लगती है कि घर बैठे जो हम अपने परिवार के सदस्य हैं, जो हमारा परिवार है, जो इधर उधर ऑल इंडिया में या विदेश में भी बिखरे हुए हैं, उनको हम समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, हम जान पाते हैं कि हमारा समाज कहाँ कहाँ है, क्या क्या कर रहा है, क्या उनकी विचारधारा है, कितने लोग हमारे जागरूक हैं और कितने लोग हमारे ना समझ हैं और कितने समझदार हैं। तो घर बैठे अगर हमें ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। ना हमें किराया खर्च करना है, ना पैसे खर्च करना है, ना एनर्जी खर्च करनी है, कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल सबके पास है, व्हाट्सएप सब चलाते हैं। तो अगर अपने समाज की बात हम घर बैठे सुनने को मिल जाए, समझने को मिल जाए, या अपनी विचारधारा रखने को या सुनने को मिल जाए, तो बहुत कुछ बातें हम घर बैठे समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, ये देखने को मिलता है कि हमारा समाज कर क्या रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ बातें बहुत अच्छी लगती है, मान लो हजारों संगठन बने हुए हैं तो ये बात सही है कि 6,743 जातियों को और लाखों जातियों में बांट दिया, किसी ने उसे एक करने की बात नहीं करी। तो ये बातें कैसे होंगी और कब तक हम अलग 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 थलग पड़े रहेंगे, कब तक नहीं जानेंगे कि हमारा समाज कहाँ क्या कर रहा है, कैसे बिखरा हुआ है। तो हमें ये जानना पड़ेगा क्या विशेषता है कि जनरल कास्ट वाली महिलाएं मंदिर के नाम पे, क्लब के नाम पर वो सब एक रहती हैं, उनकी इतनी सारी उनके संघ बने हुए हैं, दुर्गा वाहिनी, सरस्वती वाहिनी, सारी वाहिनी बनी हुई है और सारी महिलाएं जाती हैं, अपने समाज का सपोर्ट करती हैं तन से मन से धन से। तो क्या हमारी समाज की महिलाएं इतनी कमजोर हैं, जिस समाज से ऐसी महिलाएं निकली हैं, माता सावित्रीबाई फूले जैसी, फूलन देवी जैसी, माता रमाबाई जैसी, बहन मायावती जैसी, हैं इतनी ब्रिलियंट और इतनी क्या कहना चाहिए कि आयरन लेडी हमारे समाज में पैदा होती हैं और हमारे कोख से निकलते हैं ऐसे महापुरुष,
तो उन महिलाओं को घर से निकालने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि आप आइए और अपने समाज की भीड़ बढ़ाइए या संघ बनाइए, या समझिए कि हमें एकता में ही शक्ति है, संगठन में ही हमारा बचाव है। हम क्यों इतने पीछे हो गए हैं? अब तो हम पढ़े लिखे भी हो गए हैं, पैसे वाले भी हो गए हैं, संपन्न भी हो गए हैं, तो आप क्या चाहिए हमें? क्यों इतना सेफ रहना चाहती है घर के अंदर महिलाएं, जो जानने के बाद भी निकलना नहीं चाहती? मुझे ऐसी महिलाओं से सख्त नफरत है जो दोगला रोल निभा रही हैं, कि सामने जय भीम वालों को मिलेंगे तो जय भीम करेंगे, राम राम वालों को राम राम करेंगे। अबे तुम मत करो जय भीम, तुम राम राम ही करो, कम से कम एक साइड तो रहो, झूठी भीड़ तो मत बढ़ाओ, नकली बोल तो मत बनो। इसी से हमारा समाज की जो नींव है वो डगमगाती है। ये क्या बात होती है कि हम पहले मिशनरी थे, हम बाद में रामवादी हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो मरते दम तक नहीं बन सकती अब रामवादी, मनुवादी नहीं बन सकती, उनकी किसी भी बात को मैं नहीं मान सकती, चाहे हमें खाना मिले या ना मिले। भाड़ में जाए दुनियादारी, बाबा साहब के दीवाने हो गए तो हो गए, कोई कैसे कर देगा हमें? ससुराल में चले जाए, महके में चले जाए या किसी भी समाज में चले जाए, हमारी विचारधारा कोई बदल कैसे सकता है? जब बाबा साहब के विचार, महापुरुषों के विचार हमारे अंदर घुस गए हैं, वो कैसे निकल सकते हैं? ये अलग बात थी कि जब नहीं घुसे तो लोग जब घुसने ही नहीं देते। एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ भाई आप लोग जानिए मिशन के बारे में, महापुरुषों के बारे में, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक मक्खी ने कहा और मक्खियों से कि आप लोग आइए और देखिए कि वहां पे बहुत सुंदर उपवन है, वहां सुंदर सुंदर शहद है, फल है, फूल है, हम वो खाएंगे। अब बाकी मक्खियों ने कहा कि ये तो पागल है, ऐसी बोलती है, हमें तो समझ आता नहीं। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट करी, जो मिशनरी लोग होते हैं रिक्वेस्ट करते हैं बार बार। आप देखिए जो संघ में लोग हैं, जो इस मीटिंग को रोज संचालन करते हैं, वो अपनी कितनी एनर्जी खर्च करते हैं, 8 बजे से लगातार 12 बजे तक बोलते हैं, तो वो इतनी एनर्जी अपनी कहाँ से लेकर आते हैं, ये तो समझिए कम से कम। तो उस मक्खी ने कहा कि आप वहाँ पे बहुत सुंदर उपवन है, आप लोग चलिए, वहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। तो कुछ मक्खियों ने कहा कि इसकी चक्कर में हम रहेंगे तो हम मर जाएंगे भूखे, तो हम ऐसे तो जा नहीं सकते, हम चलेंगे जरूर, अगर ये इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो चलते हैं, देख के आते हैं। तो वो अपने मुंह में ना गोबर भर के ले आए, कूड़ा पहले ही भर के ले आए, और जब वो अपने मुंह में गोबर भर के ले आए तो वो उनको जब वहां पर अच्छा अच्छा उपवन में शहद मिला, फूल मिला, फल मिला, तो उनका उनको स्वाद ही नहीं आया, क्योंकि वो कूड़ा कबाड़ा सब उसमें मिक्स हो गया, पहले से ही कूड़ा भरा हुआ है, तो शहद का रस कहाँ से जाएगा, फूलों का रस कहाँ से जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो बिल्कुल बेकार है, हमें तो कोई स्वाद ही नहीं आया, कुछ मजा नहीं आया। तो ये है अपने समाज की स्थिति, पहले से ही मन में कूड़ा भर के लेके जाते हैं, माइंड को खाली लेकर जाएंगे तो कुछ भरेगा ना, तो माइंड को खाली कब करेंगे? और सबसे बड़ी बात ये डरते हैं कि साहब हम तो मर जाएंगे 33 करोड़ में, हमारा कोई अगर हमने 33 करोड़ का कह दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, अपाहिज हो जाएंगे, हमारा आज ही एक्सीडेंट हो जाएगा। ये क्यों नहीं सोचते कि अगर 33 करोड़ ने अगर हमारे लिए कुछ करा होता तो बाबा साहब को अपना परिवार क्यों खोना पड़ता? बाबा साहब को क्या जरूरत थी कि उन्होंने पल पल अपना जीवन हमारे लिए तेल निकाल के वो रखे चले गए, और संविधान के रूप में हमें एक अच्छा वो दस्तावेज देकर चले गए, जिसकी वजह से सारी महिलाएं सेफ बैठी हैं। महिलाएं क्यों नहीं निकल के आएंगी घर से बाहर? जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, पुरुषों की बराबरी करती हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगी संघ में निकलकर? वो बराबरी क्यों नहीं करेंगी? वो पीछे क्यों बैठेंगी कोने में जाकर? वो आगे खड़ी क्यों नहीं होंगी? उन्हें आगे खड़ा होना होगा, वो पीछे नहीं रहेंगी। वो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, जब माता सावित्री बाई फुले उस समय निकल सकती थी जब 9-9 साल की बच्चियों की शादी हो जाती थी, वो 16 साल की उम्र में विधवा हो जाती थी, वेश्या बन जाती थी, उन्हें चिता में जला दिया जाता था। तो जब माता सावित्री बाई फुले उस समय कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज तो हम सक्षम हैं, हमें जरूरत भी नहीं है, बस जरूरत है तो अपने समाज की जरूरत है, हमें अपने लोगों की जरूरत है जो बिखरे पड़े हैं, जो मनुवादी उसमें घुसे पड़े हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि हमारा भी अपनी अलग संस्कृति है, हमारा इतिहास है, जो अपना इतिहास नहीं जानते। बाबा साहब ने कहा है कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना ही नहीं सकता। भाई जो जानेगा ही नहीं अपने बारे में तो मानेगा कैसे, और सुनना तो चाहते ही नहीं, सुनेंगे कैसे? जो दिमाग में पहले ही कूड़ा भरा रहता है कि हम जाएंगे तो दिखाने के लिए, लेकिन घर में जाके राम राम ही जपेंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। उन लोगों की वजह से ये मिशन पीछे पहुंचा है जो दोगले चेहरे लेके आगे आते हैं, तो कृपया करके ऐसा ना करें, सच्चे चेहरे लेकर आए, अगर बनना है तो बनो, नहीं बनना है तो राम राम जपो, कोई जबरदस्ती तो करेगा नहीं इस मामले में। ये तो कर्जा है बाबा साहब का, जो इस बात को समझ जाता है कि हमने कर्जा तो SBI बैंक से लिया है, तो भाई हम प्रतिमा बैंक को क्यों रिटर्न करें?
क्या ऐसे हो जाएगा? अगर हम प्रथमा अगर हम SBI से कर्जा लेते हैं तो भाई मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, तो हम प्रथमा बैंक को रिटर्न करेंगे? अगर हम प्रथमा बैंक को रिटर्न करते हैं तो हमारे घर की कुर्की हो जाएगी, हम फिर वहीं आ जाएंगे। तो जब बाबा साहब का हमारे पर कर्जा है तो हम रिटर्न भैया राम को क्यों कर रहे हैं, मनवादियों को क्यों कर रहे हैं? अरे सारा मानी चाहिए, जो लोग नहीं जानते वो तो ठीक है, और जो जानने के बावजूद भी ऐसी हरकतें करते हैं उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मेरी तो ऐसी बात, बहुत दुख होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये कब तक चलता रहेगा ऐसे ढकोसलेबाजी? महिलाओं को सब कुछ चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, और मिल भी रहा है आजकल बाबा साहब की मेहरबानी से, संविधान की मेहरबानी से, हमारे महापुरुषों की मेहरबानियों से। तो वो पीछे क्यों बैठती है भाई, कोने में क्यों बैठती है? क्यों जाके पीछे वो ममटी के ऊपर राम राम जपती है कि भाई व्रत रख लिया और समाज को कुछ और दिखा दिया? किसे दिखा रहे हो तुम? किसको धोखा देना चाह रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को खुद को ही धोखा दे रहा है, कोई किसी को धोखा नहीं देता। करते रहो, हमें तो मिल गई नौकरी, बच्चों को नहीं मिलने वाला कुछ भी। करते रहो समाज के साथ छल कपट धोखेबाजी। जी मैडम, महापुरुषों को। दीपा मैडम जी, बहुत ही अच्छे विचार, और कहे एक कड़वी डोज जो आपने दी है सोसाइटी को, सभी महिलाओं को कड़वी डोज दी है, और ये बहुत ही अच्छी डोज है। एक्चुअली मैडम जी, ऐसी डोज ही असर करेंगी समाज को, जरूरी है। ऐसी डोज कड़वी तो होती है लेकिन बहुत ही फायदेमंद होती है। तो बहुत ही अच्छे विचारों से आपने ग्रुप को क्या शेयरिंग की है, अपने अच्छे विचारों को पार्टिसिपेट किया सभी के साथ में, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका इस तरह के विचार। और आप पहले से ही पूरे मुरादाबाद में समाज सेविका है वो, और जल्दी से जल्दी हमारे समाज में परिवर्तन होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपा मैडम जी आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे महिलाएं जुड़ी हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हैंड रेज मैम डॉक्टर मधुमोहन जी, मैं काफी देर से सुन रही थी। दीपा मैम ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली मैं अभी तक इसलिए नहीं जुड़ रही थी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी उसको एक्चुअली थोड़ा बन नहीं रहा था, तो मैं उसको कॉल पे बता रही थी, शायद उनको तब भी नहीं बन पाया। एक्चुअली होता क्या है मैडम कि हम इतने बिजी हो जाते हैं कि मोबाइल की दुनिया में हम जाते नहीं है, तो उतने अच्छे से बनता नहीं है कि कैसे खोले, क्या करे, नहीं करे। तो मैं उनको बताने की कोशिश कर रही थी। तो मैं कहाँ से है मैडम? आप कहाँ से? भोपाल से। भोपाल से है, ओके ओके। और कब से आप भोपाल से जुड़ी हुई है? अभी एक मतलब 10-12 दिन से। 10-12 दिन से मतलब पिछले वीक में भी किसी के थ्रू लिंक मिला आपको? जी जी, रंजन सर, गायकवाड़ सर से। ओके ओके ओके। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसे रिज्वाइन किया और आपने इसे और लोगों तक भी इसको पहुंचाइए इन विचारों को। और आप अपने थोड़े से विचार प्रस्तुत कर सकती हैं, थोड़ा टाइम का लिमिट है यहाँ पर। हेलो जी 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 मैम, मेरी कविता है, सब लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, और मैं अपनी कविता सुनाऊंगी। स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। और अभी मैं कहूंगी कि ये भीम का वीक चल रहा है, अभी संविधान दिवस गया, अभी पुण्यतिथि आने वाली है, तो उनके ऊपर मैंने लिखा है कि मिट्टी से छनकर कंकड़, मिट्टी से छनकर कंकड़ तप के सोना बन गया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहिसाब बन गया। मिट्टी से छनकर कंकड़ तप के सोना बन गया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहिसाब बन गया। वो छोटे से घर का बालक,
वो छोटे से घर का बालक बड़े शहर का बड़ा साहब बन गया। खान से निकला हीरा कोई नायाब बन गया। खान से निकला हीरा कोई नायाब बन गया। वो आसमां में चमकता एक सितारा बन गया। वो आसमां में चमकता एक सितारा बन गया। शिक्षा का मूल मंत्र समझा के, शिक्षा का मूल मंत्र समझा के जीने का अधिकार बताया। वो नायक ही नहीं सदी का महानायक कहलाया। आगे है, थी दिव्य दृष्टि उसकी जग को उसने जाना हाथों की लकीरों से नहीं सद्गुणों से तकदीर बनाया। पाखंड आडंबरों को झुटला के कर्म का पाठ पढ़ाया। पाखंड आडंबरों को झुटला के कर्म का पाठ पढ़ाया। चुनौतियों को पार करके विशाल अस्तित्व बनाया। चुनौतियों को पार करके विशाल अस्तित्व बनाया। माता पिता को गुरु माना, उनकी आज्ञा का पालन किया। ऐसे महानुभाव को विद्वानों ने भी सलाम किया। वो नायक ही नहीं सदी का महानायक कहलाया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू करते हुए मैडम सीमा राज जी या साइस्ता जी को बुलाना चाहूंगी। मैडम सीमा राज या साइस्ता जी, मैडम सीमा राज साइस्ता जी, मुझे कोई भी सुन रही हो? मैडम रेखा रानी से जुड़ी हैं, रेखा रानी जी को भी पुकार लीजिएगा। हाँ, रेखा रानी जी भी आ सकती हैं। मैं जी, रेखा जी मुझे सुन रही हैं? रेखा रानी जी, ये उत्तरांचल से हैं शायद। ये आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, रेखा रानी जी, आप सभी को जय भीम मेरी तरफ से। और मैं रेखा उत्तराखंड से जी, धारचूला पिथौरागढ़ से मैं जुड़ी हूँ। और इस वी द पीपल में मैं हमेशा जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा आप जैसे देखते हैं यहाँ थोड़ा समस्या रहती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरा रहता होगा, नहीं जुड़ पा रही हूँ कभी कभी, लेकिन आज अच्छा रहा, मैं पूरा जुड़ पा रही हूँ। और यहाँ पर सभी लोग, खास करके महिला हमारे जो साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस तरीके से जोड़े रखती हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अभी मैम ने कविता सुनाई, वो भी बहुत मुझे पसंद आई। लेकिन मैम मैं अपनी एक बात रखना चाहती हूँ, तो क्या मैं रख सकती हूँ, अनुमति हो तो? जी बिल्कुल मैडम जी। मैम अभी मेरे साथ में ना एक ये, मैं जैसे कि मैं पहले अभी महिला कल्याण विभाग जी मैम अब बोलिए मैम। हाँ जी अब ठीक है? जी हाँ जी बताइए। हाँ, विचारों को मैं सुन रही हूँ काफी देर से, सभी के बहुत अच्छे विचार रखे हैं। और आप कब से वी द पीपल से जुड़ी हुई हैं? मैम मैं ज्यादा दिन से तो नहीं, 5-6 दिन हो गए हैं लगभग। अच्छा। एक वीक हो गया है, तो सभी से सुन रही हूँ आप सभी को, अच्छे विचार चल रहे हैं। और जैसा इस वी द पीपल के माध्यम से आप वाकिफ होंगी कि हम लोग क्यों जुड़ रहे हैं, जिससे हम हर सिटी में अपने समाज को जोड़ सके। और आपसे अनुग्रह रहेगा कि आप आसपास जितने भी आपके लोग हैं, अपनी सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी
पीपल से जोड़िए, उनको कनेक्ट करिए। जी जी, खैर मैं तो प्रैक्टिकली लोगों से वैसे कैडर करती रहती हूँ। ओके मैम। कोई हाँ कोई दिन जाता है, बाकी रोजाना मेरे कैडर चलते रहते हैं। हाँ, तो आप वैसे और... इतना जी जी मैम, आप कहाँ से हैं? मैम मैं गाजियाबाद से हूँ। जी, तो मैं काफी समय से काम कर रही हूँ महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के। जी जी, ये मैं बाम सेव संगठन राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ से जुड़ी हुई हूँ। जी जी जी, तो मैं बस लगातार काम करती रहती हूँ, बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रुक जाती हूँ, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब इससे जुड़ी हैं, और आप ऑलरेडी इतना काम कर रही हैं समाज से, और वीदा पीपल के मुहिम से भी लोगों को कनेक्ट करिए, और जिससे हमारा समाज ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो। जरूरी, महिलाओं को आगे आने की बहुत जरूरत है मैम, क्योंकि चाहिए। जी जी, और, क्योंकि हमारी भागीदारी, देखो आधी भागीदारी हम महिलाओं की है। जी जी जी, और सबसे ज्यादा हमारे महापुरुषों ने उपकार हमारे लिए किए, तो हमें ये सारी चीजें समझनी होंगी। जी मैम, बहुत जरूरी समझना भी और कार्य भी करना होगा, क्योंकि सभी लोग तो नहीं कर पाते हैं काम। पहले भी इतनी महानायिका हमारी हुई है, उन्होंने भी गिनी चुनी महिलाओं ने काम किया है, और अभी भी जो महिला कर रही है, लाभ तो सभी को मिलेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़े और महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेके चलें, क्योंकि कोई भी क्रांति, कोई भी अधिकार, हमारे हक अधिकार आराम से नहीं मिलते, इनके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। समस्या बड़ी है तो समाधान भी बड़ा ही हमें तैयार करना पड़ेगा। जी मैम, मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थैंक यू, और मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी आशीष जी को। मैडम मधु जी जो हैंड रेज है ना, उनको ले लीजिए, पहले काफी देर से हैं, दो हैंड रेज है। सुलेखा सिंह जी तो यही थी सर। वशिम सर का काफी देर से हैंड रेज है। देखिए एक्चुअली मैम थोड़ा मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि। अच्छा चलिए मैं हेल्प कर देती हूँ 10-15 मिनट के लिए, और ऐसा लगता है कि कोई मेल पर्सन ही थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर। भाई तो नहीं भाई, कोई जरूर तो शायद वशिम सर का काफी देर से हैंड रेज है आ रही है ना, जिनके नेम्स तो मैं उनको ही पहले उठा रही हूँ। मैं देख लेती हूँ, आप बोल दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैंने ना लिस्ट बना रखी है थोड़ा महिलाओं के नाम की, मैं इसीलिए उनको कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। और थोड़ा मैं अगर जो भी अपने भाई लोग हैं वो बोलना चाहेंगे तो हम आगे उनको भी कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक जी जी जी। मनीषा निगम जी मुझे सुन रही है? मनीषा निगम जी या आशा सिन्हा जी, रेशमा सागर जी जी जी। सॉरी मैडम, मेरा ना गला खराब है, मैं आज बोल नहीं सकती, आवाज फिर मैं। आप कौन बोल रही हैं प्लीज इतना बताइए? रेशमा जी? नहीं, मैं मनीषा बोल रही मैडम। मनीषा जी बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं मनीषा जी। ओके, थैंक यू सो मच इन यू द पीपल। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। प्रियंका सिंह या मोनिका मुझे सुन रहे हैं? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। प्रियंका सिंह एंड मोनिका जी, नूतन जी दिल्ली से प्लीज अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करिए। नूतन दिल्ली से, नूतन जी। सुलेखा जी का बहुत देर से हैंड रेज है। सुलेखा जी प्लीज आप आए, मैं नाम ले चुकी हूँ एक्चुअली, शायद वो मतलब शायद कनेक्ट नहीं है या फिर ऑनलाइन है या किसी वर्क में बिजी है, आई थिंक सो। हेलो, हाँ जी सुलेखा सिंह जी। हाँ, नमो बुद्धाय मैम जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। मैम मेरी सिस्टर इन लॉ है,
मीना सिंह जीडीआईसी में टीचर हैं जी, मुरादाबाद से। मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ मैम। ओके मैम, उन्होंने मुझे जोड़ा है, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स करा था कि इस यहाँ पर आओ सुनो, काफी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैम मैं कल से जुड़ी हूँ। ओके मैम। अब आज भी उनका ही फोन आया था कि आज महिला स्पेशल है, आज जरूर सुनो। तो मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, मेरा छोटा बेबी है उसे गोद में लेके बहुत देर से सुन रही हूँ। तो अभी उनका फोन आया था कि अपना परिचय दो, आओ परिचय दो। तो मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के मैम, काफी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर महिलाओं को बोलने का अवसर दिया जा रहा है मैम। रेखा सिंह जी, आप मुरादाबाद से बिलोंग करती हैं और आप मतलब हाउसवाइफ है या वर्किंग में है? जी मैम मैं अभी हाउसवाइफ हूँ मैम, मैंने बीटीसी कर रखी है मैम, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। जी 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 मैम, मैम एक्चुअली शायद आप फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं इससे? यस मैम, मैम फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ मैम। ओके देखिए वी द पीपल्स के बारे में जिससे भी आपको ये लिंक मिला है तो आपको कॉन्सेप्ट में भी क्लियर ही होगा कि हम लोग ये मुहिम चलाई जा रही है और हमारे जितने भी लोग हैं जिस जिस सिटी में बैठे हुए हैं हम सबसे कनेक्ट होना चाहते हैं और ये जूम ऐप पे हम लोग मीटिंग करते हैं इस तरह से और अपना परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। ज्यादा अभी बहुत ज्यादा तो हम इसमें नहीं बोल सकते हैं लेकिन थोड़े बहुत अपने विचारों को यहाँ एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो आपसे जुड़े आपके फैमिली में भी जितने भी लोग हों, जितने भी फीमेल्स हों, आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ में। ठीक है मैडम? जी मैम। जी मैडम। मैम अभी मैं बहुत देर से अपनी मम्मा को भी, मम्मा बैठी थी वो काम कर रही थी, उनको भी सुना रही थी कि देखो ये सुनो आज महिला स्पेशल है, काफी अच्छा इसमें सब बता रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं। जी मैम एक्चुअली अपने समाज की महिलाएं और हम लोग इतनी इजी वे में एक दूसरे से कनेक्ट होके और सुन पा रहे हैं जो शायद घर तक नहीं पहुंच पाती है सब बातें, छोटी छोटी बातें होती हैं। और यहाँ बहुत ही विद्वान महिलाएं बैठी हुई हैं, इतनी सोशल वर्कर बैठी हुई हैं, अच्छी फील्ड में भी जॉब कर रही हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमारा कनेक्ट होना बहुत जरूरी है कि हम लोग, हमारी महिलाएं कहाँ कहाँ पर और हमारा समाज कहाँ कहाँ पर बिखरा हुआ है। तो लोग जुड़ना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच मैम, आगे भी मैं कोशिश करना चाहूंगी आपसे कि प्लीज आप इससे जुड़े हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। रीता देवी जी, रीता देवी जी मुझे सुन रही हैं? रीता देवी जी, धनवंती जी तो हो गया था शायद इनका। प्रीत गौतम जी मुझे सुन रही हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। अनीता राज जी या प्रियंका सिंह जी, ये रेखा रानी मैडम का काफी देर से हैंड रेज है। रेखा रानी मैडम, आप मैडम बोल चुकी है सर, रेखा मैडम बोल चुकी है। अच्छा तो रेखा रानी मैडम आप अपना हैंड डाउन कर दीजिए, अनम्यूट नहीं करा, वो बोल चुकी है रेखा मैडम। ठीक है हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। रीता देवी जी या प्रीत गौतम जी या साइस्ता जी तो हो चुका है इनका भी, मीना सागर। हेलो जी 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 मैडम, नमो बुधाय। हाँ मैम, अभी ये सुलेखा जो जुड़ी थी ये मेरी भाभी है। ओके okay. एक्चुअली मैं अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कई दिन से उसको समझाया था तो आज उन्होंने अपना परिचय दिया। एक रेशमा सागर जी जुड़ी है मैडम, ये बरेली से। okay. परिचय रेशमा सागर जी है बरेली से। जी जी जी, हम उनका नाम वैसे बोल चुके हैं रेशमा सागर जी को भी, अगर वो मुझे सुन पा रही है। सभी को आवाज आ रही मेरी? जी मैम, मैं कहना चाह रही थी ना यहाँ पे संगठन में जुड़ के तो मुझे बहुत, जी जी संगठन में जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे लग रहा है आप, मैं फर्स्ट टाइम लग रहा है कि आप जुड़े हुए हैं तो हम आपसे इंट्रोड्यूस होना चाहेंगे। नहीं जुड़ चुके हैं, बीच बीच में जुड़ रहे हैं, बीच बीच में टाइम मिलता है। ओके डॉक्टर आरपी देवी मैम जी मैम, हाँ आपको बहुत बहुत साधुवाद मैम, मैं डॉक्टर आर एस स्वामी लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ सर भी हैं, साथ में हैं मैम। 26 दिसंबर के लिए आप सादर आमंत्रित हैं? बिल्कुल, अरे नहीं भाई, हम लोगों का अपना संघ का प्रोग्राम है भाई, आएंगे बिल्कुल। ठीक है ओके सर, नमो बुधाय जय भीम। हाँ नमो बुधाय जय भीम मैम। ओके मधु मैम, डॉक्टर आरपी देवी मैम और ये सर जो है जुड़ते रहते हैं,
ओके ओके ठीक है ओके सर ओके मैडम ठीक है थैंक यू मैम सो मच। अब हम शुक्ला जी जो हैं उनको राधा एक है राधा मीना प्रिया इटारसी से हैं काफी देर से मैं देख रही हूँ उनको मुझे सुन रही हो तो माइक अनम्यूट करें राधा मीना प्रिया इटारसी से मध्य प्रदेश से जी जी मैम जी मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम आप विदा पीपल से मैम कब से जुड़े जय भीम दीदी जी मैम जी मैडम मुझे एक सप्ताह हो चुका है ओके मैम एक सप्ताह हो चुका है मैडम मुझे जुड़े हुए और ममता तांडेकर दीदी ने मुझे जोड़ा है ओके ओके मैम नमस्कार मैम नमस्कार नमस्कार मैं ममता बोल रही मैम ओके मैम जी हाँ तो मैम दीदी आप मुझे सुन रही है जी 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 मैम जी एक एक करके हम पूछना चाहेंगे आपसे पहले पूछते हैं हाँ आपसे तो बात अच्छा ना, आपने ही इनको जोड़ा हुआ था ओके जी जी तो राधा मीना बहुत अच्छा गाती है बहुत अच्छा लिखती है सब गुण है मैम में ओके मैम राधा मैम में सारे गुण है जी मैम कुछ अच्छा सुना दीजिए मैम जी मैडम मैं बाबा भीमराव अंबेडकर करके ऊपर से ही सुनाना चाहूंगी एक बात कहना चाहूंगी आपसे जिसे आप सुन रही हैं मैडम आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी मैम राधा मैम प्लीज कि गाना आप अच्छी सिंगर होंगी मैं समझ सकती हूँ इस बात को ठीक है और मैं थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहती हूँ कि आप जो जुड़ी है विद द पीपल से तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं क्या जी आप इससे जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि हम क्यों जुड़ रहे हैं मैं जुड़ी हुई हूँ मैडम इससे और मुझे हम सभी महिलाओं को एक एकत्र होने की जरूरत है इस देश को हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरत है हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं बिल्कुल जाग जाएं जी है ना जैसा कि भीमराव बाबा अंबेडकर जी ने कहा है जी कि एकता में रहें संघर्ष करें और शिक्षित बने Exactly. आज जो महिलाओं की स्थिति है मेरे ख्याल से 90% महिलाएं जाग चुकी हैं बस जो 10% रह गई हैं उन्हें जगाने की जरूरत है जी और मैडम मैं सामाजिक काम करती हूँ समाज में जाती हूँ महिलाओं के समस्याओं को सॉल्व करती हूँ और बाल्मीकि अधिकारी कर्मचारी संघ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैडम Okay. और महादलित परिसंघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैडम बीजेपी में मैं नगर मंत्री हूँ मंडल में मैडम और और अपनी जिंदगी में बस मेरा एक उसूल है कि समाज की सेवा करना है समाज के लिए जीना है समाज के लिए ही मर जाना है एक्चुअली मैं इसीलिए आपके विचार जानना चाह रही थी क्योंकि आप जैसी महिलाओं से कुछ जो महिलाएं पहली बार जुड़ रही हैं आप जैसी महिलाओं को देख के उनके अंदर भी वो हिम्मत आई कि हम किचन से बाहर निकलकर भी हम समाज में भी आके और अपना प्रभुत्व अपनी अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो आपके विचार बहुत ही सराहनीय है ऑलरेडी आप समाज के लिए काम कर रही हैं और वी द पीपल से भी ये भी एक संघ है हम लोगों का और संघ को लेके जो कॉन्सेप्ट चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़े और ये पूरी हमारी इंटरनेशनल लेवल पर नॉट अ नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग सभी जुड़ेंगे और हमारा एक ब्रॉड सा परिवार होगा तो अच्छा लगेगा सो नाइस मीट यू मैम मैं थोड़ा सा आपसे इंटरप्ट करूंगी और मुझे थोड़ा सा कंटिन्यू करना है और लोगों को भी तो थैंक यू सो मच मैम सुलेखा सिंह जी प्लीज आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए सुलेखा सिंह जी मैडम सुलेखा सिंह जी मैम ये डॉक्टर कमल मेहरा साहब का काफी देर से हैंड रह जाए डॉक्टर कमल मेहरा साहब अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं अपना परिचय दे सकते हैं डॉक्टर कमल मेहरा मैं बताऊं ना गुलाब जी आपको जब गौतम साहब रात को 11-12 बरस तक मिशन का काम में लगे रहते थे ना तो एक औरत ने उनसे पूछा कि आप है ना 11-12 बजे 12-12 सर्दी की रातों में आप बाहर घूम रहे तो क्या आपकी मैडम कुछ नहीं कहती आपसे और आपको घुसने कैसे देती हैं घर में तो वो कहने लगे जी ऐसा जी उनसे शक्ति लेकर ही मैं यहाँ घूम रहा हूँ
और मुझे पता है उनको तैयार करा है मैंने पहले, और जैसे मैंने तो फूले बाबा को अपना गुरु माना कि उन्होंने कैसे अपनी पत्नी को तैयार करा, तो मुझे ये लगा कि मुझे समाज का काम करना तो पहले मैंने मैडम को तैयार करना पड़ेगा, और अब मैं घर जाऊंगा तो वो जगह पाएंगी, बच्चे बेशक सो गए होंगे क्योंकि उस टाइम बच्चे छोटे थे, तो बच्चे तो सो गए होंगे लेकिन वे जग रही होंगी क्योंकि खाना गर्म बना के खिलाएंगी, पता है कि समाज का काम करना। तो वो स्त्री जो है इतनी हैरान हो गई कि कहती मैं तो आपकी मैडम से मिलना चाहूंगी कि वो कौन सी महान औरत है। तो फिर मैंने उनको फिर समझाया कि जो ना हम जो आज अच्छा खा रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं ना, ये सब बाबा साहब के देते हैं, तो हमें पे बैक टू सोसाइटी करना है, जितने अधिकार बाबा साहब ने पुरुषों को दिए ना उतने अधिकार महिलाओं को भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए कम किया, बल्कि महिलाओं के लिए ज्यादा किया। तो रमेश कटके सर, हाँ रमेश कटके सर, हाँ सर सभी को मोस्ट वेलकम, हाँ जय भीम, हाँ जय भीम नमोदा सर। आज की चर्चा से मैं बहुत गदगद हो गया हूँ, बहुत खुश हूँ कि सारी बहनें अपनी आवाज बहुत बुलंद कर रही है। मैं सिर्फ दो तीन बाबा साहब की किताबों का जिक्र करना चाहता हूँ जो कि इस चर्चा के संदर्भ में है। बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया जो किताब है बाबा साहब की, बहुत रेवोल्यूशनरी किताब है, उसमें कहा है कि महिला जाति का द्वार है क्योंकि महिला से ही जातियां फिर बढ़ती है क्योंकि वो जन्म देती है। और दूसरा बाबा साहब कहते हैं, एक बार एनालिसिस करते हैं कि महिला जो प्रवेश द्वार है जाति का, जिससे कि जातियां मेंटेन रहती है। लेकिन दूसरी किताब में हुवेर शुद्राज में और रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में ये कहते हैं कि अगर महिलाओं को गुलामी से अगर जागरूक किया जाए, निकाला जाए बाहर, तो बाबा साहब का एक कोटेशन है, बाबा साहब कहते हैं कि पुरुष अगर पढ़ता है तो खुद की फैमिली को दुरुस्त करता है, लेकिन जब महिला पढ़ती है, जागरूक हो जाती है, तो देश उन्नति करता है। इतना अंतर बाबा साहब ने सिर्फ 30-35 साल के अपने आंदोलन के बीच में किया महिलाओं के लिए। और तीसरी किताब में बाबा साहब ने राइज एंड डाउनफॉल ऑफ इंडियन हिंदू वुमेन, इसमें कहा है बाबा साहब ने कि अगर हम लोग हिंदुइज्म को ठीक से जानते हैं, जैसा कि अभी सिस्टर ने कहा कि ब्राह्मणवाद को हमें बहुत ही ठीक ढंग से हैंडल करना होगा, नहीं तो ब्राह्मणवाद इतना फंसा हुआ है हमारे दिलो दिमाग में, वो साइकोलॉजिकल बना हुआ है। अगर जैसे कि आप किसी आग के सामने एकदम से इंसान को लेके जाते हो तो घबराता है, वो बाहर भागता है, ब्राह्मणवाद भी ऐसा ही है, उसको बहुत धीरे से हैंडल करना होगा हमें। और बुद्धिज्म की ओर अगर हम महिलाओं को ले जाते हैं तो धीरे धीरे महिलाओं की मानसिकता अम्बेडकरिज्म फुलेइज्म की तरफ आएंगी, और बुद्धिज्म की वजह से फिर हिंदुइज्म धीरे धीरे उसके मन से निकल जाएगा, और जितने जल्दी महिला जागरूक होती है उतने जल्दी ब्राह्मणिज्म का नुकसान होता है। बाबा साहब एक जगह कहते हैं कि पुरुष अगर दुरुस्त हो जाता है तो ब्राह्मणवाद नहीं घबराता, लेकिन एक महिला जागरूक हो जाती है तो सबसे ज्यादा घबराता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो गुलामी का जो वाहन है, गुलामी जिससे कंटिन्यू रहती है, वही विद्रोह कर बैठता है। इसलिए महिलाओं को जागरूक करते वक्त हमें बहुत ही सावधानता बरतनी होगी। और दूसरी बात, एक बार महिला अगर जागरूक होती है तो पुरुष से ज्यादा काम करती है, बस इतनी बात करनी थी। जय भीम, धन्यवाद जी। कंटिन्यू मैं इस बारे में मैं थोड़ा एक शब्द बोलना चाहूंगी, 2 मिनट का जी। जैसे मधु जी ने बोला ना कि हमारे महिलाएं जो है बहुत ब्राह्मणवाद के पीछे रहती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, ब्राह्मण जो है हमारी महिलाओं को बहुत अच्छी तरह, इतिहास में अगर हम जाएंगे ना, क्योंकि मैंने बहुत कैडर अटेंड करे तो हमें कैडर में ये बातें बताई गई थी कि जो है ना हमारे से ज्यादा ना ब्राह्मण अपनी महारी महिलाओं को जानता है। मूल निवासी महिलाएं जो थी बहुत ताकतवर महिलाएं थी, तो उन्होंने देखा था कि ये मूल निवासी महिलाएं जो अपने समाज को, पूरे समाज को चलाती हैं, तो उन्होंने सारे जितने भी ये व्रत त्योहार जो भी आडंबर बनाए ना, वो सारे महिलाओं के लिए बनाए, पुरुषों के लिए एक भी नहीं बनाए। और उनको ना एक भगवान का, अनजान शक्ति का एक डर बिठाया उनके दिल में, जिससे वो डर बिठा के और महिलाएं अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, सबके लिए इतनी ज्यादा डेडिकेटेड रहती है कि वो उन चीजों को मानने लग गई, और उनको इतना डर बिठाया गया कि वो उनकी बातों को मानने लग गई, सारे आडंबर उन्होंने जो है अपना लिए। ये हमारा इतिहास है, और जो महिलाओं को आज हम ब्लेम करते हैं ना, उसके पीछे ये इतिहास ही काम करता है।
और आज पढ़ लिख के भी महिलाओं के दिमाग से वो निकलती नहीं है। आज उन्होंने किया है कि करवा चौथ हो गया या जो भी हो गया, जितने भी त्योहार उनमें वो एंजॉयमेंट ढूंढती हैं कि हमें नए कपड़े खरीदने हैं, नए जेवर गहने का। इसके वजह से वो अपने घर में भी बच्चों से पति से भी अपने लड़ाई कर लेंगी कि नहीं हमें चाहिए, और उनकी देखा देखी कॉम्प्लेक्स में आएंगी। हम तो बहुत मैच्योर हैं और बहुत जल्दी मैच्योर हो गए अपने हस्बैंड की वजह से और अपने पापा की वजह से कि उन्होंने हमें ये बातें शुरू से ही सिखाई। और मैं भी और महिलाओं को ये बहुत बातें सिखा सिखा कर समझा समझा कर समाज में महिलाओं के साथ काम कर करके बहुत सारी महिलाओं को इस अडम्बर से मैंने जो है निकाला है। अभी यहाँ पे एक मैडम जुड़ी थी गुड़गांव से, गीता गोरिया, अब शायद यहाँ नहीं है, वो बहुत ज्यादा अडम्बर में रहती थी। और तो मैंने उसको घर पे जा जाके इतना उसको समझाया, उसने अपने आप ही एक दिन सारे तीज त्योहार ये सब छोड़ दिए। तो हमें ना ये थोड़ा इतिहास भी हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, कि क्यों हमारी महिलाएं इतनी आडंबर में रहती हैं। ये पीछे ना एक बहुत बड़ा इतिहास है और हमें पढ़ने की भी जरूरत है। और महिला जैसे मैम ने कहा, कंचन मैम ने, कि अकेली होती हैं, ये भी बहुत सही है कि वो एकदम से, मेरे साथ एक महिला ने कल बोला था कि मैं मीटिंग में चलूंगी, पिकनिक मीटिंग में, लेकिन हुआ क्या, उसके बच्चों ने मना कर दिया। तो वो मेरे से बहुत सॉरी बोलने लगी कि अरे मैम तो आपके साथ जाने को तैयार थी लेकिन मेरे बच्चों ने मना कर दिया, मैं बहुत आपके साथ काम करना चाहती हूँ लेकिन वो मैडम की बात मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज के संदर्भ में भी, आज की मीटिंग में भी वो थोड़ी देर के लिए जुड़ी थी, फिर नहीं जुड़ पाई क्योंकि उनके घर वाले, वो फिर थोड़ा बच्चे हस्बैंड हो गए, वो ऑब्जेक्शन उठाने लग जाते हैं। तो महिला करना भी चाहती है तो परिवार वाले थोड़ा रोकते हैं। तो उनको क्या है, अपने आप से भी लड़ाई लड़नी है, घर में भी लड़ाई लड़नी है और समाज के लिए भी कुछ काम का। तो कई तरीके से जो महिलाएं ना फंसी भी रहती हैं, तो कोई बात नहीं, हम कोई हार मारने वालों से नहीं है और धीरे धीरे महिलाओं को जोड़ेंगे। इसके साथ बात खत्म करूंगी, जय भीम। आपको माइक गुलाब सिंह जी माइक अनम्यूट करें। हाँ ठीक, माइक ऑफ। मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों एक ही फोन से जुड़े हुए हैं और अपनी यूनिटी शो कर रहे हैं इस मीटिंग में। संघ है, सबसे पहला संघ यहीं से शुरू होता है। हाँ हाँ, संघ में, ठीक है ना। तो हमारे लोगों की कई मैं सुन रहा हूँ, जैसे विजय कुमार जी और एक मैडम थी, उनका नाम मैं भूल गया अभी, उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की है कि भाई लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं है, हमारी बात को सुनते नहीं है। दीपा भारती, सिर्फ संघर्ष ही ये है हमारा और उनका, जो लोग सामाजिक जीवन जी रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो लोग कहते हैं कि भाई हमारी लोग जो ना सुनते नहीं है, अपने महापुरुषों की बात को जानने के लिए, उनके कामों को, उनके आंदोलन को जानने के लिए तैयार नहीं है। तो यही समस्या है। अभी क्या है, हम सभी ग्रामीण परिवेश से आए हुए लोग हैं, हम देखते हैं कई बार एक भैंसा बुग्गी होती है, भैंसा बुग्गी, उसमें दो भैंसे होते हैं जुड़े हुए, तो कई बार वो भैंसे जो है बाहर की आगे तो चलते ही चलते हैं गाड़ी को खींच के ले जाने के लिए, लेकिन वो बाहर की तरफ भी जोर लगाते हैं और कई बार वो क्या करते हैं कि दोनों अपने एक दूसरे के अपोजिट अंदर की तरफ जोर लगाते हैं। तो समाज का वो हालत है अभी कि जो समाज के काम करने वाले लोग हैं वो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो इन्होंने फायदा भी लिया है लेकिन वो ब्राह्मणवादी विचारधाराओं में इतने पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, और उनको वहां पर बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। तो यही हमारा आंदोलन है और हमें हमारे महापुरुष बाबा साहब यदि इस काम को कर जाते, उन्होंने भी अपना जीवन लगाया, हमारे महापुरुषों ने, ज्योतिरा फुले, माता सावित्री बाई फुले, रमा बाई, मेरी यार रामा स्वामी, कबीर साहब, रैदास, जब कितने महापुरुष हमने देखे, अपना जीवन लगाया, उनकी भी समस्या ये थी। यदि ये हमारे लिए चैलेंज है, उनके लिए भी चैलेंज था, यदि ये चैलेंज खत्म हो जाए तो आंदोलन ही खत्म हो जाएगा। तो हमने इस आंदोलन को और अपने महापुरुषों के लोगों की विचारधारा बताने का काम करना है और हम इसमें घबराएंगे नहीं, और ये निरंतर चलने वाला हजारों सालों की गुलामी है, हमारा समाज हजारों सालों की गुलामी जी रहा है और अभी वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि वो हो जाए, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और हमें इसे घबराना नहीं चाहिए। और मनीषा जी बोलेंगी अब। चला खराब है उनका आज।
हाँ सर, मुझे भी कुछ कहना है। अभी मधु मैडम कह रही थी ना कि पंडितों के पे जाके अपने वो शादियों के डेट वेट फिक्स करवाते हैं और फिर बाद में विधवा भी हो जाती है। अगर हकीकत में पंडित किसी का भविष्य बता सकता तो पहले वो अपना भविष्य नहीं निर्धारित करता। मेरे पास में मैं आपको अपने घर का एक पड़ोस का एक एग्जाम्पल बताती हूँ, बहुत बढ़िया वाला है वो। पुण पंडितों की कहानी बताती हूँ। तीन भाई हैं और एक ही मंदिर में रह के वो पूजा पाठ का काम करते हैं, और उसमें से दो भाइयों की शादी हो चुकी और एक वहां रहा था। सबसे बड़े भाई का, वो पंडित है, सबका भविष्य बताते हैं लेकिन उन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा। बड़े भाई की बीवी जो है किसी और के साथ भाग गई। अब बड़े भाई की बीवी भाग किसी और के साथ, और जो छोटा भाई है उसकी बीवी भाग गई बड़े भाई के साथ। अब मैं उन, अब ये सोचने वाली बात है कि जब पंडित होके दूसरों की भविष्यवाणी तो वहां मंदिर में बैठ के बताते हैं, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी नहीं देखी। इसका मतलब कहने का है कि ये लोग सिर्फ हमारे लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग, हमारे जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं चाहे अनपढ़ हैं बोली भाली हैं, उनको जो मतलब उनका माइंड डाइवर्ट करके अपने अपने लिए कैसे फायदा लेना, वो काम वो लोग कर रहे हैं वहां पर। तो हमारे समाज को ये चीज समझनी होगी। ये तो मेरे सामने क्या एग्जाम्पल है, तो मैं इस चीज को बताती हूँ कि भाई उन्होंने वो अपना अगर देख सकते भविष्य तो अपना भी तो देख सकते थे कि मेरी बीवी किसके साथ भागने वाली है या उसकी बीवी किसके साथ भागने वाली है। तो ये चीज हमें समझनी होगी, और इन चीजों से हमें अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को और अपने सभी साथियों को दूर रखने की कोशिश करनी होगी कि उनसे वहां जाके हमारा कोई उधार उधार नहीं होने वाला। हमारा इवन एक क्या कहते हैं उसको, मिसगाइड करके वो हमसे फायदा ही लेते हैं। वो लोग हमारी मेहनत की कमाई वहां जाके मंदिरों में लग जाती है। वो लोग बैठे हुए अपनी क्रीज लगाते हैं कपड़ों में और थड़े पे आके बैठ जाते हैं, पूरे दिन का राशन वहां बैठे बैठाए आ जाता है, और जो हमारी जो महिला मेहनत का पैसा ले जाके वहां खर्च कराती हैं। तो वो चीज धीरे धीरे हम लोगों को समझानी पड़ेगी। जो समझ गए ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं भाई ऐसा करने की हमारा अपना ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। और इस पाखंडवाद से निकलने में हमें कह रहे ना कि महिलाएं ज्यादा लगी हुई है, महिलाएं इस चीज को ढो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं पुरुषों का भी हाथ होता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से वो ही लगी हुई है, उनमें पुरुषों का भी हाथ होता है, क्योंकि वो उन्हें इस मंदिर के रास्ते तक लेके जाते हैं, स्कूटर पे बैठा के, बाइक पे बैठा के लेके जाते हैं, गाड़ियों में, चार पियों की गाड़ियों में जब खरीदते हैं सबसे पहले जाके वहाँ टीका लगवा के आते हैं, वो सत्यावतिया जैसा बना के आते हैं वहाँ। तो उसमें पुरुष भी तो साथ में जा रहा है ना, वही कहते मैं तो नहीं जाता अपनी गाड़ी लेके, मैं क्यों जाऊंगा उसका टीका लगवाने, मेहनत का पैसा मेरा, खरीदी मैंने, EMI मैं भरूंगा, तो उसे पंडित का क्या लेना देना, तो वो कैसे चली जाएगी उस कार को उठा के। तो वो कहीं ना कहीं आदमियों की बराबर की हिस्सेदारी होती है। ऐसा कह के महिलाओं पर कि महिलाएं जी ढो रही हैं और अपना पल्ला नहीं झाड़ लेना, तो दोनों को समझने की बात होगी, क्योंकि एक गाड़ी के दो पहिए हैं और गाड़ी तभी चलती है जब दोनों पहिए पटरी पर चलते हैं। मनीषा जी कुछ महिलाओं की मीटिंग ऐसी ही चलती है मैडम, पर यार सर कुछ हैंड भी रेज है या तो बोलती नहीं है नहीं तो फिर चुप नहीं होती। इन्होंने डबल टाइम ले लिया ना मनीषा बहन जी ने। सर मैंने तो सम्राट टोपी बहुत जी है, हैंड रेज है सम्राट टोपी बहुत जी, आए प्लीज। हाँ सर कुछ हैंड रेज है, सर कर ले लीजिए हैंड रेज। किसके हैं ये, वीडियो ऑन कर लेंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी प्लीज, जी जी हाँ जी प्लीज। हेलो, नमो बुद्धाय एंड जय भीम। आपका प्रोग्राम मतलब कि सुनती हूँ पहले भी, बीच में टाइम नहीं मिला, बट आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और एक दर्द है ना जो मन में वो झलक रहा है। रियली में आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही कि आप उसके रूट में जाएंगे, जो भी समस्या है जो भी प्रॉब्लम है, तो तब आप फाइंड आउट करोगे ना कि वो है क्या, वो हुई क्यों, उसको इरेडिकेट करना है। हाँ उसी को इरेडिकेट करेंगे तो तब वो उसको मतलब कि ये सही रास्ता मिलेगा। और रियली में इट्स अ गुड संगठन जो भी है हमारा, ये संघ है हमारा संघ है। मैम आप गुड़गांव से हैं? मैम आप गुड़गांव से? हाँ जी मैं गुड़गांव से हूँ। और नंबर डाल दीजिए, हम आपको ना गुड़गांव के ग्रुप में जोड़ देंगे।
अर्चना, अर्चना गौतम जी इनसे एक्सप्लेनेशन ले लो, गुड़गांव में नहीं आई है मीटिंग में नहीं आए आपने। आई एम रियली वेरी सॉरी क्या क्या हुआ कि उस दिन शादी थी एक हमारे मतलब क्लोज की ही। हिसार जाना है हाँ, मैंने इसीलिए कैंसिल किया था हिसार भी। मैंने कहा नहीं दिया साहब, हम ये ज्वाइन जरूर करेंगे। तो क्या हुआ उसमें मिलने वाले हमें 4 बज गए वहीं। अच्छा, तो 4 बजे के फिर दिया साहब कहने लगे, कहते कि नहीं अब तो लेट हो गए हैं, वो सब निकल गए होंगे। हमने कहा चलो एक बार अम्बेडकर भवन तक चलते हैं, देखते हैं कोई मिलता है तो, क्योंकि पर्सनली तो मैं किसी से भी नहीं मिली हूँ और आज भी मैं बहुतों के नाम नहीं जानती हूँ। लेकिन दैया साहब जानते हैं हमारे को ना, दैया साहब को हम बहुत पहले से जानते हैं भवन से। भवन में प्रोग्राम होता है जो हमेशा जाते हैं, और वो भी हाँ, नहीं वो वह तो मैं भी गई हूँ। हाँ, बाबा साहब के जन्मदिन पर भी गई हूँ और दूसरे भी प्रोग्राम होते हैं तब भी गई हूँ, और कुछ कुछ अपना भी योगदान रहा है। और अब मैम चैट बॉक्स में नाम डालिए, पता क्या है एक्चुअली मैं आपसे बात करूंगी कल, आप फोन नंबर डालिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ओके। रेशमा सागर जी, रेशमा सागर जी अपना परिचय दीजिए प्लीज। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जी जय भीम नमो बुद्धाय, आपका स्वागत है। मैम वीडियो ऑन कर पाएंगी क्या? हेलो जी। हेलो हाँ जी, परिचय दीजिए, स्वागत है आपका। कहाँ से मैम? जी बरेली से हूँ मैं, उत्तर प्रदेश बरेली से। अच्छा जी, अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा मैम, बताइए पहली बार जुड़ी है? जी आज ही जुड़ी हूँ मैं। अच्छा, मीना सागर जी मैडम है, उन्होंने जोड़ा है मुझे। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं आगे भी जुड़ती रहूंगी इसमें। जी थैंक यू मैम, बहुत सारे लोग हैं बरेली में। अच्छा, कोई महिला वहां पर मतलब है मंडली टाइप में है ना, जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं? आपसे रिक्वेस्ट है जरा उनको देखिएगा, उनको ऐड करिए। बरेली में मीटिंग करना है हमको, आप लोगों से मिलना है, हम आना चाहते हैं वहां पर। ठीक है ना, तो फिर आप थोड़ा सा वहां पर देखिए, हम लोग पहुंचते हैं फिर। थैंक यू मैम, और बताइए कुछ कहना है आपको? तो मैं बाद में कहूंगी आपसे। मैडम तुलीराम बोध का हैंड रेज है काफी देर से। जी सर, पहले महिलाओं को ले रहे ना? हाँ जी ठीक रह गई, जो महिलाएं परिचय से रह गई हूँ कृपया अपना परिचय दीजिए। मीटिंग कंक्लूड करने जा रहे हैं हम, प्लीज अपने परिचय दे दीजिए जो महिलाएं अभी शेष रह गई हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। गच्छामि।
आमीन।